हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक 1968 की ब्लॉकबस्टर मूवी कन्यादान के बेस्ट फैक्ट रिव्यू एंड समरी। तो गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कन्यादान एक भारतीय हिंदी रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। कन्यादान का निर्देशन मोहन सहगल द्वारा निर्देशित 1968 की हिंदी सामाजिक रोमांटिक ड्रामा फिल्म है। फिल्म का निर्माण राजेंद्र भाटिया ने किरण प्रोडक्शन के लिए किया था। कहानी और पटकथा सरसर सैलानी द्वारा संवाद के साथ आर ए बाकवेरी द्वारा लिखी गई थी और फोटोग्राफी के निर्देशक के एच कपाड़िया थे। संगीत निर्देशक शंकर जयकिशन ने किया था और गीत हसरत जयपुरी और गोपाल दास नीरज के थे। फिल्म में शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश, अचला सचदेव, दिलीप राज, साहिदा खान और पन्ना रानी थे। इस फिल्म का निर्देशक मोहन सहगल ने किया था और इसके द्वारा लिखित ए आर बेकरी और इसका निर्मित किया था राजेंद्र भाटिया ने। इस फिल्म में अभिनय किया था शशि कपूर, आशा पारेख, ओम प्रकाश, दिलीप राज, पन्ना रानी ने। उसका छायांकन तैयार किया था के एच कपाड़िया ने। इसको संपादित किया था प्रताप देवी ने। संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने। उत्पादन कंपनी की किरण प्रोडक्शन। रिलीज की तारीख 1968, कार्यकारी समय 1949 मिनट, देश भारत, भाषा हिंदी, बॉक्स ऑफिस पर 3.2 करोड़, 2019 में 133 करोड़ या US में 19 मिलियन के बराबर। कहानी बाल विवाह के सामाजिक मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। रेखा और अमर की शादी बच्चों के रूप में की जाती है। वे बड़े होकर अलग अलग लोगों से प्यार करने लग जाते हैं और अंततः बचपन में की गई शादी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो गाइस, अब बात करते हैं इस फिल्म की कहानी की। तो इस फिल्म की हम छोटी सी कहानी आपको सुना रहे हैं और कहानी कुछ इस प्रकार है। फिल्म लड़कियों की टीम बुलबुल और लड़कों की टीम हीरोज के बीच एक हॉकी मैच शुरू होता है। लड़कियों ने 1 से 2 गोल से जीत हासिल की। लड़कों की टीम से अमर अमर दिलीप राज इसमें भूमिका निभा रहे हैं और बुलबुल टीम की लता साहिदा खान एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं और एक दूसरे से जो है प्यार करने लग जाते हैं। अमर कुमार शशि कपूर एक कवि है और अमर के मित्र यहाँ पर जो है शशि कपूर है और वह एक कवि है। नाम को लेकर लोग अक्सर भ्रमित रहते हैं क्योंकि उनके नाम एक जैसे हैं। दोनों के नाम एक जैसे हैं। इसमें दिलीप राज और शशि कपूर का नाम जो है अमर कुमार है और दोनों के नाम से जो है यहाँ पर लोग भ्रमित रहते हैं क्योंकि उनके नाम एक जैसे होते हैं। जब कुमार को अपने दोस्त के प्यार के बारे में पता चलता है तो वह उनकी शादी करने की पहल करता है और लता के पिता से भी वादा करता है कि वह उनकी देखभाल करेगा क्योंकि उनके पास ऐसा करने के लिए कोई ससुराल नहीं था। लता और अमित जो है एक अमर जो है एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं और उसका जो दोस्त होता है शशि कपूर वह उन दोनों की जो है शादी करवाता है और लता के पिता से उनकी जो है जिम्मेदारी लेता है कि उन्हें जो है किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होने देगा क्योंकि अमर की तरफ से जो है उसके माता पिता कोई नहीं होते और उसके लता के ससुराल में कोई नहीं होता और वह उसके ससुराल की तरफ से जिम्मेदारी लेता है। कुमार व्यवसाय के लिए एक शहर के रास्ते में एक बार जो है जाता है और वहां पर एक रास्ते में जो है उसकी कार जो है खराब हो जाती है और वहां उसकी मुलाकात जो है रेखा जो कि इसमें आशा पारेख बनी है रेखा से उसकी मुलाकात होती है और वह उससे
एक गांव की लड़की, वह उसे अपने घर पर रहने के लिए आमंत्रित करती है। और जब उसकी कार जो है खराब हो जाती है कुमार की, तो वह आशा पारेख से मिलता है और उस आशा पारेख जो है उसे अपने घर ले जाने घर ले जाती है और अपने घर पर जो है उसको रात वहीं पर रुकाती है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और उसकी कार जो है खराब थी। और वैसे अपने घर रहने के लिए जो है आमंत्रित करती है उस, क्योंकि उसके पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी रात के समय में, इसलिए वह उसे अपने घर ले जाती है। और कुमार इसे स्वीकार कर लेता है। रेखा और कुमार दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। जब वह वापस शुरू होता है तो वह जानबूझकर उसके गांव में रुक जाता है। और जब वह शहर से व्यवसाय के पूरा करके अपना वापस लौटता है तो वह जानबूझकर जो है रेखा के गांव में रुक जाता है। रेखा की उसके प्रति भावनाओं के बारे में अस्वस्थ होकर वह उसकी माँ से शादी के में हाथ मांगने के लिए उसके पास जाता है। लेकिन जब रेखा की माँ अचल सचदेव ने खुलासा किया कि रेखा की बचपन में अमर नाम के एक लड़के से शादी हो चुकी थी और अब रेखा भी अब तक इस बात से बेखबर थी, अनजान थी, इस बात का उसे भी नहीं पता था कि उसकी शादी जो है बचपन में अमर से हो चुकी है, तो वह भी चौंक जाती है। वह उसे शादी की एक तस्वीर देती है और अमर को खोजने में उसकी मदद करने के लिए कहती है। कुमार चुपचाप वहां से चला गया और जब वापस लौटते समय कुमार जो है रेखा के घर में रुकता है और वो एक दूसरे के प्रति जो अपनी भावनाएं उनके आकर्षित होती है, तो वह उसकी माँ से जो है रेखा का हाथ मांगता है। लेकिन रेखा की माँ यहाँ एक जो है बहुत बड़ा खुलासा करती है कि उसकी शादी तो जो है बचपन में अमर से हो चुकी है और आशा को भी जो है इस बात का पता नहीं था, वह भी इस बात से अनजान थी। तभी रेखा की माँ अमर को एक उसकी शादी की फोटो देती है और उसे कहती है कि बेटा तुम मेरा इतना काम करना, तुम शहर जाओगे तो वहां पर जो है अमर का पता लगाना और अमर को खोजने में हमारी मदद करना। यह सुनकर और कुमार जो है वहां से फोटो लेकर अपने साथ चला जाता है, चुपचाप वहां से चला जाता है। रेखा एक ऐसी लड़की होने के नाते जो परंपराओं का सम्मान करती है, अपने भाग्य को स्वीकार करती है और कुमार को भूलने की कोशिश करती है। लेकिन जब रेखा जो है ये सोचती है कि वह अपनी परंपराओं का सम्मान करना चाहिए और वह अपने भाग्य में जो है उसको स्वीकार करती है और यहाँ पर जो है वह कुमार को भूलने की कोशिश करती है। लेकिन जब कुमार बाद में अपने माता पिता के साथ अपनी बचपन की तस्वीर और अपने ड्राइंग लाइसेंस के साथ लौटते हैं जिसमें उसका पूरा नाम अमर कुमार बताया जाता है, तो वह बहुत खुश होता है और अपनी पत्नी के रूप में उसके साथ चले जाती है। कुमार जो है उस तस्वीर को लेकर अपने साथ आता है और वह जो है आकर यह देखता है कि अपने माता पिता के साथ बचपन में जो उसकी तस्वीर थी और अपने ड्राइविंग लाइसेंस के साथ लौटते हैं और उसमें उसको जो उसमें दिख उसका पूरा नाम जो है अमर कुमार लिखा रहता है, तो वह बहुत खुश हो जाता है कि अमर कुमार वही है जिससे बचपन में रेखा की शादी है और वह मैं ही हूँ। यह सोचकर वह खुश हो जाता है और रेखा को अपनी पत्नी के रूप में देखता है और वह उसे अपने साथ अपनी पत्नी के रूप में लेकर आ जाता है। हालांकि उस कुमार बाद में इस सच्चाई का खुलासा करता है कि मूल अमर पहले से ही लता से विवाहित है और उसे उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में बाधा नहीं डालनी चाहिए।
वह उससे कहता है कि वह उसे बहुत प्यार करता है और उसे सच्चाई स्वीकार करने और उससे शादी करने के लिए कहता है। हालांकि जब वह रेखा को अपने साथ लेकर आया तो वैसे जो है यहाँ पर अमर की पूरी कहानी बताता है, सच्चाई बताता है कि अमर जो है पहले से ही विवाहित है और उसने जो है लता से शादी कर रखी है और वह शांतिपूर्ण एक वैवाहिक जीवन अपना व्यतीत करते हैं और उनके जो है वैवाहिक जीवन में इस बात से कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। वह दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो यहाँ पर कुमार जो है वह कहता है कि मैं उसे तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और शादी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन रेखा उदास और क्रोधित होकर खुद को मारने के लिए घर से निकल जाती है। लेकिन रेखा जो है कुमार को मना करती है और वह दुखी उदास होकर मरने के लिए निकल जाती है। लगभग दूसरे अमर की कार से कुछ ले जाती है। अमर और लता को यह बताए जाने पर कि उनके पास कोई नहीं है और कहीं नहीं जाना, यह सोचकर कि उनके पति ने उन्हें अपने घर से निकाल दिया होगा, और वह जब घर से निकल कर जाती है रेखा, तो वह अमर की कार से जो है टकरा जाती है और वहां पर उसका जो है एक्सीडेंट हो जाता है। अमर और लता उसे अपने घर पर ले आते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम्हारा यहाँ कौन है। तो रेखा कहती है कि यहाँ पर मेरा कोई नहीं है और मैं किसी के पास नहीं जाना चाहती। या रेखा और लता सोचते हैं कि इसके पति ने इसको घर से निकाल दिया था और उन्हें आश्रय दे, और वह उसे वहां पर जो है अपने पास रख लेते हैं, आश्रय दे देते हैं। जब रेखा को पता चलता है कि यह असली अमर है और उसने खुशी खुशी शादी कर ली है तो वह सच नहीं बताती। कुमार उदास और उदास महसूस करता है और शराब पीने लगता है। अमर के घर में रहते रहते रेखा को यह पता चल जाता है कि यह ही असली अमर है और वह जो दोनों लता और अमर एक साथ खुशी खुशी रहते हैं, अपना वैवाहिक जीवन खुशी से बिता रहे हैं, तो वह सच बता नहीं बता पाती। इधर कुमार जो है बहुत ही उदास और दुखी रहता है, महसूस करता है। रेखा के जाने से वह बहुत दुखी था क्योंकि वह रेखा से प्यार करता था और उसको भुला नहीं पाता। उसे भुलाने के लिए वह शराब पीने लगता है। इस बीच घरेलू मामलों में मासूम रेखा की अधिक परिचितता के कारण अमर के घर में तनाव शुरू हो जाता है। और यहाँ इसी बीच जो है रेखा अमर के यहाँ रहती है और वह उसके घरेलू मामलों में जो है मासूम रेखा की अधिक जो है अमर उसकी तरफ उसका ध्यान रखता है। तो उसके घर में भी लता यह सोचती है कि यह इससे जो है इसके तरफ उसका झुकाव ज्यादा है और उसके घर में भी जो है वहां पर तनाव शुरू हो जाता है। बाद में जब लता को अपने पति के बारे में चलता है कि उसका जो है बाल विवाह और हो चुका है, रेखा अपनी जिंदगी खत्म करने के इरादे से घर छोड़ती है। घर अमर का घर छोड़ देती है और वह मरने के लिए चली जाती है। लेकिन उसकी माँ जो उसकी परिस्थितियों के बारे में जानती है और गांव से आई है, रेखा को समझाती है कि उनके बचपन में उनकी सहमति के बिना जो शादी हुई वह बिल्कुल भी शादी नहीं थी और एक असली कन्यादान विवाह में दुल्हन को देना उसके माता पिता या अभिभावक का तब होना चाहिए जब माता पिता अपनी वृक्ष बेटी को उसकी सहमति से दे दे। इसी बीच जो है रेखा की माँ गांव से शहर आ जाती है और वह कुमार के यहाँ आती है, और जैसे ही उसे सब पता चलता है तो वह अमर के पास जाती है। तो वहां से जो है पता चलता है कि उसकी बेटी जो है घर छोड़कर चली गई है। तो सभी मिलकर जो है उसे ढूंढने के लिए जाते हैं।
रेखा जो है आत्महत्या करने के लिए जाती है, वहां पर जैसे बड़ी मुश्किल से उसको रोका जाता है और उसे मनाया जाता है कि बाल विवाह तुम्हारा कोई सच की शादी नहीं है, क्योंकि उसमें तुम्हारी सहमति नहीं है। असली शादी जब ही होती है जब माता पिता और असली कन्यादान जब भी होता है, जब जो है उनकी माता पिता की बेटी जो है बड़ी हो जाती है, वृक्ष हो जाती है, और वह अपनी सहमति से जो है अपने पति के रूप में अपने पति को अपनाती है, अपनी सहमति से शादी करती है, तो असली कन्यादान जब भी होता है। बड़ा समझाने पर जो है रेखा अंत में कुमार को पति के रूप में स्वीकार करती है, और अंत भला तो सब भला, और इस तरह जो है यहाँ पर उन दोनों का भला हो जाता है। और यही कहावत है कि अंत भला तो सब भला, और ऐसे अपने पति के रूप में कुमार को स्वीकार करती है, और एक वास्तविक कन्यादान दुल्हन को उसके माता पिता या विवाहकों के द्वारा शादी में देना है। तब होना चाहिए जब माता पिता की बेटी वृक्ष बड़ी हो, उसकी सहमति दे, रेखांत में कुमार को अपने पति के रूप में स्वीकार करती है, और वह खुशी खुशी जो है वहां पर सभी खुश हो जाते हैं। अमर और लता लता अमर से अमर लता से कहता है कि मैंने कभी भी इसको अपनी उस नजरों से नहीं देखा है, वह उसे अपनी बहन मानता है। और तब लता जो है अपने करने पर पछतावा होता है और वह उससे माफी मांगती है। तो इस तरह वह कुमार से उसकी माँ पर शादी हो जाती है और वह उसे बहन के रूप में स्वीकार करता है। तो इस तरह अंत में इस कहानी का जो है एक सुखद अंत हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम इस फिल्म के कास्ट की ढालना की। तो इस फिल्म में जो है किन किन कलाकारों ने अभिनय किया है, तो शुरू करते हैं अमर कुमार के रूप में शशि कपूर, जो कि इसमें एक कवि है, और अमर कुमार जो कि उसका दोस्त है, दूसरा वह उसका दोस्त है, और वह व्यवसाय के लिए जाता है, और वहां उसकी जो है कार खराब होने से रेखा से मुलाकात होती है और वह उससे प्यार करने लग जाता है। रेखा के रूप में आशा पारेख ने इसमें भूमिका निभाई है, जो कि कुमार से प्यार करती है, और लेकिन जैसे ही उसके उसकी माँ की सच्चाई का पता चलता है कि बचपन में उसकी शादी हो गई है, तो वह अमर अमर से ही अमर को ही अपना पति मानती है, और उसे पति मानकर जो है उसी के साथ अपना जीवन व्यतीत करना चाहती है, और कुमार को जो है भूलने की कोशिश करती है। ओम प्रकाश बंसी के रूप में इसमें जो है कुमार के यहाँ काम करने वाले के रूप में अपनी भूमिका निभाई है। दिलीप राज अमर के रूप में लता के प्रेमी और पति के रूप में भूमिका निभाई है। लता के रूप में शाहिदा खान ने दिलीप अमर की पत्नी के रूप में इसमें भूमिका निभाई है। अचला सचदेव ने रेखा की माँ के रूप में इसमें भूमिका निभाई है। मधुमती ने सविता चटर्जी, लक्ष्मी छाया, रेखा की दोस्त गुलाबी, पन्ना रानी के रूप में पन्ना रानी की इस फिल्म में भूमिका निभाई है। बंसी की सास के रूप में टुन टुन ने इस फिल्म में अपनी भूमिका निभाई है। नजीर कश्मीरी, इंदिरा भंसाली, चंद्रशेखर। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इस फिल्म की बॉक्स ऑफिस की। तो इस फिल्म ने जो है यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल रही। इस फिल्म ने 3.2 करोड़ रुपए का कारोबार किया। जिसने यह 1968 की चौथी सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई, और यह उस टाइम की जो है एक जबरदस्त मूवी फिल्म बन गई, और इसने बहुत ही अच्छी कमाई की और बॉक्स ऑफिस पर अपना अच्छा प्रदर्शन किया।
और यह समय की जो थी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म, एक सुपर बजट फिल्म बन गई। अब बात करते हैं हम इस फिल्म के संगीत की। फिल्म का संगीत शंकर जयकिशन ने दिया है, जिसके बोल हसरत जयपुरी और नीरज ने दिए थे। पार्श्व गान प्रदान करने वाले गायकों में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी, आशा भोसले और महेंद्र कपूर थे। यह फिल्म शंकर जयकिशन के संगीत और जैसे जो खाट तुझे और मेरी जिंदगी में आते जैसे गीतों के साथ सफल रही। इसका गीत संगीत बहुत ही अच्छा है और इसके सभी गाने जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो गाने की सूची कुछ इस प्रकार है। इस फिल्म में जो है कुल मिलाकर 7 गाने हैं और सबसे पहले नंबर पर जो है आता है गाना जैसे जो खाट तुझे। इस गाने को गाया है मोहम्मद रफी जी ने। और नंबर 2 पर मिल गए आज मेरे सनम। इस गीत में आवाज दिया है आशा भोसले जी। लता मंगेशकर जी ने इस गीत को गाया है। नंबर 3 पर आता है रविवार को प्यार हुआ सोमवार को इकरार हुआ। इस गीत में आवाज दिया आशा भोसले और महेंद्र कपूर जी ने। नंबर 4 पर आता है पराई हूँ पराई मेरी आरजू ना कर। इस गीत को गाया लता मंगेशकर जी ने। नंबर 5 पर आता है फूलों की महक लहरों की लचक। इस गीत को गाया है महेंद्र कपूर जी ने अपनी आवाज में। और नंबर 6 पर आता है तुम नहीं भूलते जहाँ जाए। इस गीत को मोहम्मद रफी जी ने अपनी आवाज में गाया है। और नंबर 7 पर आता है मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और बात होती। इस गीत को गाया है मोहम्मद रफी जी ने अपनी आवाज में। तो इस तरह जो है इस साउंड ट्रैक में जो है 7 गाने हैं और 7ों ही बहुत ही अच्छे हैं। और इसके जो है जो ज्यादा उस समय के जिस दर्शकों को सबसे ज्यादा अच्छे लगे यह जो जैसे जो खाट तुझे और मेरी जिंदगी में आते तो कुछ और ही बात होती। यह गाने जो है दर्शकों को उस टाइम पर बहुत पसंद आए थे। और अब बात करते हैं हम इस फिल्म की अभिनेत्री की, आशा पारेख, जो कि इसमें रेखा की भूमिका निभाई है। आशा पारेख का जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। आशा पारेख एक भारतीय फिल्म अभिनेत्री, निर्देशक और निर्माता है, जो अपने पूरे कैरियर में कई व्यावसायिक रूप से सफल फिल्मों में दिखाई दी। वह अपने समय की सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्री थी और 1960 और 1970 के दशक में सबसे सफल अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्हें हिंदी सिनेमा की अब तक की सबसे प्रभावशाली अभिनेत्रियों में एक माना जाता है। 1992 में उन्हें सिनेमा के इस क्षेत्र में योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1942 में, यह 78 वर्ष की उम्र की है। राष्ट्रीय भारतीय पेशा अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता। सक्रिय वर्ष 1952 से 1995 तक पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्म फेयर पुरस्कार 1971, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट और 2002 कलाकार पुरस्कार, 2018 सम्मान पद्मश्री पुरस्कार 1992। आशा पारेख एक गुजराती है जिसका जन्म 2 अक्टूबर 1942 को हुआ था। उनकी माँ सुधा उर्फ सलमा पारेख एक बोहरा मुस्लिम थी और उनके पिता बच्चू भाई पारेख हिंदू गुजराती थे। उनकी माँ ने उन्हें कम उम्र भारतीय शास्त्रीय नृत्य कक्षाओं में दाखिला दिलाया और उन्हें पंडित बंसीलाल भारती सहित कई शिक्षकों से सीखा।
पारेख ने अपने कैरियर की शुरुआत एक बाल कलाकार के रूप में स्क्रीन नाम बेबी आशा पारेख के तहत की थी। प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक विमल रॉय ने एक मंच समारोह में उनके नृत्य देखा और 10 साल की उम्र में उन्हें माँ 1952 में कास्ट किया और फिल्म उन्हें माँ बाप बेटी 1954 में दोहराया। बाद की फिल्म की विफलता ने उन्हें निराश किया और भले ही उन्होंने कुछ और बाल भूमिकाएं की, फिर भी उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा फिर से शुरू करने के लिए छोड़ दिया। 16 साल की उम्र में उन्होंने फिर से अभिनय करने और एक नायिका के रूप में अपनी शुरुआत करने का फैसला किया, लेकिन उन्हें अभिनेत्री अमिता के पक्ष में विजय भट्ट की गूंज उठी सहनाई 1959 में अस्वीकार कर दिया गया, क्योंकि फिल्म निर्माता ने दावा किया कि वह स्टार सामग्री नहीं थी। ठीक 8 दिन बाद फिल्म निर्माता सुबोध मुखर्जी और लेखक निर्देशक नासिर हुसैन ने उन्हें शम्मी कपूर के साथ दिल दे के देखो 1959 में नायिका के रूप में कास्ट किया, जिसने उन्हें एक बहुत बड़ा स्टार बना दिया। इनसे हुसैन के साथ एक लंबा जुड़ाव भी शुरू किया, जिन्होंने उन्हें 6 और फिल्मों में अपनी नायिका के रूप में कास्ट किया। जब प्यार किसी से होता है 1961, फिर वही दिल लाया हूँ 1963, तीसरी मंजिल 1966, बहारों के सपने 1967, प्यार का मौसम 1969 और कारवां 1971। उन्होंने नासिर की फिल्म मंजिल मंजिल 1984 में भी एक कैमरियो किया था, जिसके साथ उन्होंने पहले 6 फिल्में की थी। हुसैन ने उन्हें बहारों के सपने 1967 से शुरू होने वाली 21 फिल्मों के वितरण में भी शामिल किया। निर्देशक राजकोष लतक पारे को उनके अधिकांश फिल्मों में मुख्य रूप से एक ग्लैमर गर्ल, उत्कृष्ट डांसर, टम बॉय के रूप में जाना जाता था। उनकी 3 पसंदीदा फिल्मों में उन्हें त्रासदीपूर्ण भूमिकाओं में कास्ट करने के उन्हें एक गंभीर छवि दी। दो बदन 1966, चिराग 1969 और मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978। निर्देशक शक्ति सावंत ने उन्हें उनकी अन्य पसंदीदा फिल्मों पगला कहीं का 1970 और कटी पतंग 1970 में अधिक नाटकीय भूमिका दी। बाद वाले ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री फिल्म फेयर का पुरस्कार दिलाया। विजय आनंद और मोहन सहगल सहित कई महत्वपूर्ण निर्देशकों ने उन्हें अपनी कई फिल्मों में बार बार कास्ट किया। पारेख ने हिंदी फिल्मों में अपनी प्रसिद्धि के चरम पर 3 गुजराती फिल्मों में अभिनय करके अपनी मातृभाषा में अभिनय किया। पहली अखंड सौभाग्यवती 1963 थी, जो एक बड़ी हिट बन गई। उन्होंने कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे कि कंकन दे, ओहले 1971, धर्मेंद्र के साथ और नंबरदारनी 1976, दारा सिंह के साथ साथ की हिट कन्नड़ फिल्म शेर वेगड़ा सरदारा 1989। एक प्रमुख महिला के रूप में अपने दिन समाप्त होने के बाद पारेख ने भाभी और माँ के रूप में सहायक भूमिकाएं निभाई, लेकिन उन्होंने इसे अपने कैरियर का अजीब चरण कहा, इसलिए उसने फिल्मों में अभिनय करना बंद कर दिया और उनके दोस्तों ने उन्हें उसे टेलीविजन निर्देशक बनने की सलाह दी। उन्होंने उनकी सलाह ली और 1990 के दशक की शुरुआत में गुजराती धारावाहिक ज्योति के साथ एक टेलीविजन निर्देशक बन गई। उनके एक प्रोडक्शन कंपनी आकृति बनाई और पलाश के फूल, बाजे पायल, कोरा कागज और एक कॉमेडी दाल में काला जैसे धारावाहिकों का निर्माण किया। 1994 से 2000 तक सिने
आर्टिस्ट एसोसिएशन की अध्यक्ष थी। पारेख केंद्रीय फिल्म प्रमाण बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष थी। सेंसर बोर्ड ऑफ इंडिया वह 1998 से 2001 तक इस पद पर रही। इसके बाद उन्हें कोई वेतन नहीं मिला, लेकिन फिल्मों को सेंसर करने और शेखर कपूर की एलिजाबेथ को मंजूरी नहीं देने के लिए काफी विवाद हुआ। बाद में वह सिने एंड टेलीविजन आर्टिस्ट एसोसिएशन CINTA की कोषाध्यक्ष बनी और बाद में इसके पदाधिकारियों में से एक के रूप में चुनी गई। टेलीविजन धारावाहिकों का निर्देशन और निर्माण करने के लिए आशा पारेख ने 1995 में अभिनय करना बंद कर दिया। पारेख को 2002 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला। उन्हें अन्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिलते रहे। 2004 में कलाकार अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार, 2006 2007 में पुणे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह पुरस्कार और 2007 में न्यूयॉर्क के लॉन्ग आई लेक में नोवा वार्षिक बॉलीवुड पुरस्कार। उन्होंने उन्हें फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की से लिविंग लेजेंड अवार्ड मिला। 2008 में वह भारतीय मनोरंजन चैनल 9X पर रियलिटी शो त्योहार धमाका में जज थी। 2017 में उनकी आत्मकथा खालिद मोहम्मद द्वारा सह लिखित द हिट गर्ल शीर्षक जारी की गई। आशा पारेख अविवाहित रही है, यह दावा करते हुए कि उसकी बहुत से बाहर होने की प्रतिष्ठा ने उन्हें लोगों को शादी के में उनका सा उसका हाथ मांगने में संकोच किया। अपने संस्करण द हिट गर्ल में उन्होंने अफवाहों की पुष्टि की कि वह निर्देशक नासिर हुसैन के साथ रोमांटिक रूप से शामिल थी, जो पहले से ही शादीशुदा थे, लेकिन उनके दोनों परिवारों के सम्मान में वह उससे शादी नहीं कर सकती थी। पहले पारेख केवल यह बताती थी कि उनका एक लंबे समय से प्रेमी था, लेकिन उन्होंने इस संबंध के बारे में विस्तार से बताने से इनकार कर दिया, केवल यह कहते हुए कि यह अच्छा था जब तक यह चलता रहा। उसने कहा कि उसने अपने जीवन के अंतिम वर्ष के दौरान नासिर हुसैन को नहीं देखा था, क्योंकि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के कारण एकांत प्रिय हो गया था। लेकिन 2002 में उसकी मृत्यु से एक दिन पहले उसने उसने बात की। उसने अमेरिका में रहने वाली एक भारतीय प्रोफेसर से लगभग शादी कर ली थी, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने उनकी शादी की योजना को रद्द कर दिया। उसने एक बच्चे को गोद लेने की भी कोशिश की थी, लेकिन उसे जन्म दोष था और डॉक्टर ने उसे गोद लेने से मना कर दिया। आज पारेख अपनी नृत्य अकादमी कारा भवन और सांता क्रूज मुंबई में आशा पारेख अस्पताल पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसका नाम उनके कई मानवीय योगदानों के कारण उनके सम्मान में रखा गया है। उनकी फिल्मोग्राफी श्रोतेय माँ 1952, बाल कलाकार के रूप में आसमान 1952, एस बेबी आशा पारेख के रूप में धोबी डॉक्टर 1954, बाल कलाकार के रूप में बाप बेटी 1954, बाल कलाकार के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु 1944, अयोध्यापति 1956, बाल कलाकार के रूप में उस्ताद 1957, आशा 1957, आशा के रूप में नीता नारायण के रूप में दिल दे के देखो 1959, हम हिंदुस्तानी 1960, सुधा के रूप में घूंघट 1960, लक्ष्मी के रूप में जब प्यार किसी से होता है 1961, निशा आर सिंह के रूप में घराना
1961 उषा गुप्ता के रूप में, छाया 1961 सरिता जे चौधरी के रूप में, अपना बना के देखो 1962, फिर वही दिल लाया हूँ 1963 मोना के रूप में, कविता के रूप में मेरी सूरत तेरी आँखें 1963, संध्या गुप्ता के रूप में बिन बादल बरसात 1963, भरोसा 1963, गोमती के रूप में अखंड सौभाग्यवती 1963, उषा के रूप में आशा सिंह के रूप में जिद्दी 1964, मेरे सनम 1965, नीना मेहरा के रूप में तीसरी मंजिल 1966, सुनीता के रूप में लव इन टोक्यो 1966, आशा के रूप में दो बदन 1966, आशा के रूप में आए दिन बाहर के 1966, कंचन के रूप में उपकार 1967, कविता के रूप में बारों के सपने 1967, गीता के रूप में शिकार 1968, किरण के रूप में कई और चल 1968, रजनी के रूप में कन्यादान 1968, रेखा के रूप में साजन 1969, रजनी के रूप में प्यार का मौसम 1969, सीमा के रूप में महल 1969, रूपा देवी के रूप में चिराग 1969, आशा छिब्बे के रूप में आया सावन झूम के 1969, आरती के रूप में पगला कहिका 1970, डॉक्टर सालनी सालों के रूप में नया रास्ता 1970, सालों के रूप में कंकन दे और ले पंजाबी 1970, भाई भाई 1970, ताजी के रूप में वर्षा दीपाली के रूप में आन मिलो सजना 1970, माधवी मधु के रूप में कटी पतंग 1971, मेरा गांव मेरा देश 1971, अंजू के रूप में ज्वाला 1971, आशा पारेख के रूप में रंजना के रूप में जवान मोहब्बत 1971, कोमल माथुर के रूप में सुनीता सोनी के रूप में कारवा 1971, नादान 1971, सीमा के रूप में समाधि 1972, चंपा के रूप में राखी और हथकड़ी 1972, जानकी किरण के रूप में हीरा 1973, आशा के रूप में अनजान रहीन 1974, गीता के रूप में कमला के रूप में रानी और लाल परिस 1975, जख्मी 1975, आशा के रूप में उदार का सिंदूर 1976, शांता के रूप में कुलवधू 1977, चंदन के रूप में आधा दिन आधी दिक रात 1977, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978, तुलसी चौहान के रूप में प्रेम विवाह 1979, जमुना के रूप में बिन फेरे हम तेरे 1979, 100 दिन सास के 1980, शीला के रूप में बुलंदी 1980, आखिरी मुजरा 1981, खेल मुकद्दर का 1981, कालिया 1981, शांति के रूप में पाखंडी 1984, धर्म और कानून 1984, मंजिल मंजिल 1984, विजय की माँ के रूप में लावा 1985, अमर की माँ के रूप में प्रीति 1986, कार चोर 1980, श्रीमती मेहरा के रूप में सागर संगम 1988, मैं तेरे लिए 1988, प्रीति के रूप में हमारा खानदान 1980, शारदा सिंह विशाल की माँ के रूप में हम तो चले परदेश 1988, हथियार 1989, अविनाश की माँ के रूप में बेटे ठाकुर की पत्नी के रूप में बंटवारा 1989, सारवेगड़ा सरदार 1989, जानकी के रूप में प्रोफेसर की पड़ोसन 1993, शोभा के रूप में प्रोफेसर की पत्नी भाग्यवान 1994, सावित्री के रूप में घर की इज्जत 1994, सीता के रूप में आंदोलन 1995, सर आंखें पर 1998।
के खुद के रूप में। पारिक ने जरूरतमंद लोगों के लिए एक अस्पताल खोला है, जिसे बीसीजे अस्पताल और आशा पारिक अनुसंधान केंद्र कहा जाता है। उसने कहा है कि अस्पताल को कई बार बंद किया गया और फिर से खोला गया। अखंड सौभाग्यवती 1963 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का गुजरात राज्य पुरस्कार, चिराग के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकित, कटी पतंग के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार 1971, उधार का सिंदूर 1976 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन, मैं तुलसी तेरे आंगन की 1978 के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के रूप में फिल्म फेयर पुरस्कार नामांकन, कला के रूप में पद्मश्री से सम्मानित 1982, फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2002, इंडियन मोशन पिक्चर प्रोडक्शन एसोसिएशन IMPPA पारिक को भारतीय फिल्म उद्योग में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए सम्मानित किया गया 2003 में, कलाकार अवार्ड्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004, भारतीय सिनेमा में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2006, सप्तरंग के सबसे पुरस्कार 2006, गुजराती एसोसिएशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका गाना का पहला अंतर्राष्ट्रीय गुजराती कलेक्शन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2006, पुणे इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007, बॉलीवुड अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2007, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की ओर से लिविंग लीजेंड अवार्ड। फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने अपने स्वर्ण जयंती समारोह 2008 में पारिक को सम्मानित किया। सत्रहवीं नवरत्न पुरस्कार पारिक को पदार्थ की महिला दिन होने के लिए दिया गया 2008। एबीएन एमरो सॉलिटेयर डिजाइन अवार्ड शो 2008 से सॉलिटेयर फॉर लाइफ अवार्ड, नासिक इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2009। नृत्य और अभिनय में पारेख के योगदान के लिए लच्छू महाराज पुरस्कार 2009। भारत के 44वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ने पारेख को हिंदी सिनेमा में 50 वर्ष पूरे करने पर सम्मानित किया 2009। इमोर्टल मेमोरीज इवेंट 2009 से लिजेंड्स अली फॉर एवर अवार्ड, गोल्डन लॉरीज अवार्ड, नोवा ग्रेट आर्ट वीमेन अचीवर्स अवार्ड्स 2010, प्रकृति रत्न पुरस्कार 2010, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2011, आश्रम कला अकादमी द्वारा भीष्म पुरस्कार 2012, कलाकार अवार्ड से लिविंग लीजेंड अवार्ड 2018, वॉक ऑफ द स्टार सम्मान जहाँ एक टाइल पर उनके हाथ की छाप है 2013, स्टारडक्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2015, मोस्ट स्टाइलिंग लाइफ टाइम स्टाइल आइकन अवार्ड हिंदुस्तान टाइम्स मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड 2017, 5वें वार्षिक पुणे अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव PILF 2017 में उन्हें स्मरण द हिट गर्ल के रूप में दूसरा सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार पुस्तक पुरस्कार, विमल रॉय मेमोरियल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019, ग्लोबल सिनेमा फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 में दिया। और अब बात करते हैं हम शशि कपूर की। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता है और फिल्म निर्माता थे। शशि कपूर का जन्म 8 मार्च 1938 में
हुआ और इनका जन्म का नाम बलबीर राज कपूर था। शशि कपूर एक भारतीय अभिनेता और फिल्म निर्माता थे जिन्हें हिंदी फिल्मों में उनके काम के लिए जाना जाता है। 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 2 फिल्म फेयर पुरस्कारों सहित कई प्रशंसकों के प्राप्तकर्ता उन्हें कई अंग्रेजी भाषा की अंतर्राष्ट्रीय फिल्मों में भी अभिनय किया। विशेष रूप से मर्चेंट आई वरी द्वारा निर्मित फिल्में भारत सरकार उसके साथ सम्मानित पद्म भूषण 2011 में और दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014 में भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए दिया गया। उनका जन्म 18 मार्च 1938 में कलकत्ता बंगाल प्रेसिडेंट ब्रिटिश भारत में हुआ था। उनकी मृत्यु 4 दिसंबर 2017 को 79 वर्ष की उम्र में मुंबई महाराष्ट्र में हुई। पेशा अभिनेता निर्माता जीवन साथी जेनिफर संतान कुणाल करण संजना माता पिता प्रति राज कपूर पिता परिवार कपूर परिवार सम्मान पद्म भूषण 2011 दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2014। कपूर परिवार में जन्मे कपूर पृथ्वी राज कपूर के तीसरे और सबसे छोटे बेटे थे। उन्होंने अपने भाई राज कपूर के निर्देशन में बनी फिल्म आग 1948 में बाल कलाकार के रूप में अपना कैरियर शुरू किया और यश चोपड़ा के राजनीतिक नाटक धर्मगुप्त 1961 में उनकी पहली वयस्क भूमिका थी। कपूर ने 1958 से 1948 में अपनी मृत्यु तक अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर केंडल से शादी की थी और उनके 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना थापर। एस्पिरेंस निमोनिया के कारण 79 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। शशि कपूर का जन्म बलबीर राज कपूर के रूप में पृथ्वीराज कपूर और उनकी पत्नी के घर कलकत्ता ब्रिटिश भारत में 18 मार्च 1938 को हुआ था। वे राज कपूर और शम्मी कपूर के सबसे छोटे भाई थे। कपूर ने पृथ्वी थिएटर के साथ यात्रा करते हुए अपने पिता पृथ्वी राज कपूर द्वारा निर्देशित और निर्मित नाटकों में अभिनय किया। उन्होंने 1984 के दशक के अंत में शशि राज के नाम से एक बच्चे के रूप में फिल्मों में अभिनय करना शुरू किया, क्योंकि पहले से ही इसी नाम से एक और अभिनेता था जो एक बाल कलाकार के रूप में पौराणिक फिल्मों में अभिनय करता था। एक बाल कलाकार के रूप में उनका सबसे प्रसिद्ध प्रदर्शन आग 1948 आवारा 1951 में था, जहाँ उन्होंने अपने बड़े भाई राज कपूर द्वारा निभाए गए पात्रों के छोटे संस्करण को निभाया। और संग्राम 1950 में, जहाँ उन्होंने अशोक कुमार और दाना पानी 1953 का छोटा संस्करण निभाया, जहाँ उन्होंने अभिनय किया भारत भूषण। उन्होंने 1948 से 1954 तक एक बाल कलाकार के रूप में 4 हिंदी फिल्मों में काम किया। कपूर को सुनील दत्त की पहली फिल्म पोस्ट बॉक्स 1991 में एक सहायक निर्देशक के रूप में काम करने का मौका मिला और गेस्ट हाउस 1959 में रविंद्र दवे के सहायक निर्देशक के रूप में काम किया, जिसके बाद दूल्हा दुल्हन और श्रीमान सत्यवादी, जहां राज कपूर मुख्य भूमिका में थे। शशि कपूर ने 1961 की फिल्म धर्मपुत्र में एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में अपनी शुरुआत की और 116 हिंदी फिल्मों में अभिनय किया, जिसमें से 61 फिल्में एकल मुख्य नायक और 55 मल्टी स्टार कास्ट फिल्में, 21 फिल्में सहायक अभिनेता के रूप में और 7 में विशेष उपस्थिति शामिल है। फिल्में वह 60-70 के दशक और 80 के दशक के मध्य तक बॉलीवुड में बहुत लोकप्रिय अभिनेता थे। कपूर की शुरुआती फिल्में धर्मपुत्र, प्रेम पत्र और चार दीवारी
हिंदी में थी जो व्यावसायिक रूप से सफल नहीं थी। 1961 से उन्होंने अंग्रेजी भाषा की फिल्में में अभिनय करना शुरू किया, जिसमें द हाउस होल्डर और शेक्सपियर वल्ला शामिल है। वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने वाले भारत के पहले अभिनेताओं में से एक थे। अभिनेत्री नंदा, जो अपने समय में एक स्थापित स्टार थी, ने कपूर के साथ 8 हिंदी फिल्में साइन की, क्योंकि उनका मानना था कि वे अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। एक जोड़ी के रूप में उनकी पहली दो फिल्में समीक्षकों द्वारा प्रशंसित रोमांटिक फिल्म 4 दीवारी 1961 और मेहंदी लगी मेरे हाथों में 1962 थी। 1960 के दशक में कपूर ने नंदा के साथ कई रोमांटिक फिल्मों में अभिनय किया, जिनमें मोहब्बत इसको कहते हैं नहीं 1965 जब जब फूल खिले, 1965 नींद हमारे ख्वाब तुम्हारे, 1966 राजा साहब, 1969 और रूठा न करो, 1970 शामिल है। 1990 के दशक में एक साक्षात्कार में कपूर ने घोषणा की कि नंदा उनकी पसंदीदा अभिनेत्री थी और वे उन्हें अपने गुरुओं में से एक मानते थे। एक अन्य साक्षात्कार में नंदा ने कहा कि शशि कपूर उनके पसंदीदा अभिनेता थे। शशि कपूर ने 60 के दशक में के उत्तरार्ध से लेकर 80 के दशक के मध्य तक राखी शर्मिला टैगोर जीना तमान के साथ पर्दे पर जोड़ी बनाई। उन्होंने कई फिल्मों में हेमा मालिनी, परवीन बॉबी और मौसमी चटर्जी के साथ अभिनय किया। एक साथ उनकी पहली फिल्म शर्मिली के ब्लॉकबस्टर बनने के बाद राखी को अक्सर उनके साथ जोड़ा गया और उन्होंने चवार और इंसान 1972, कभी कभी 1976, बसेरा 1981 और समीक्षकों द्वारा प्रशंसित तृष्णा 1978 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। हालांकि दूसरा आदमी 1977, बंधन कुछ धागों के 1983, बंद होना 1984 और जमीन आसमान 1985 में काम बंधन कुछ धागों का 1983, बंद होना 1984 और जमीन आसमान 1985 फ्लॉप रही। उन्होंने शर्मिला टैगोर के साथ वक्त 1965 आमने सामने, 1967 सुहाना सफर, 1970 आ गले लग जा, 1973 वचन, 1974 पाप और पुण्य, 1974 जैसी हिट फिल्मों में अभिनय किया। स्वाति 1986 समीक्षकों द्वारा प्रशंसित न्यू हेल्टी टाइम्स 1985। इसने कपूर को 1986 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार दिलाया। शर्मिला के साथ अन्य फिल्में जैसे माई लव 1970, अनारी 1975, गहरी चोट 1983, माँ बेटी 1986 और घर बाजार 1998 सफल नहीं रहे। जीना तमान के साथ उन्होंने चोरी मेरा काम 1975, दीवानगी 1976, रोटी कपड़ा और मकान 1974, हीरा लाल और पन्ना लाल 1978, पाखंडी 1984, भवानी जंक्शन 1985, सत्यम शिवम जैसी हिट फिल्मों में काम किया। सुंदरम 1978 और इस जोड़ी ने क्रोधी 1981, वकील बाबू 1982 और बंधन कुछ धागों का 1983 जैसी फ्लॉप फिल्में देखी। उन्होंने हेमा मालिनी के साथ 10 फिल्में की। शशि और हेमा मालिनी की जोड़ी के रूप में जैसे 6 हिट थी। आप बीती, त्रिशूल, अनारी, तूफान, आंधी तूफान, अपना खून, मान गए उस्ताद, क्या मैं और क्या, पांच और तीन फ्लॉप, जान प्यार माइल, नाच संसार और अंजाम। कपूर की अन्य सफल फिल्मों में शामिल है हसीना मान जाएगी 1968 और एक दोस्त श्रीमान एक श्रीमती 1969 के साथ, दोनों बबीता, कन्यादान 1968 और प्यार का मौसम 1900
दोनों विपरीत आशा पारेख, चोर मचाए शोर विपरीत मुमताज, अभिनय 1970 आप बेटी 1976 और मान गए उस्ताद 1981, हेमा मालिनी के साथ बेजुबान, रीना रॉय के साथ चक्कर पे चक्कर, 1976 काली घाट, 1980 कलयुग, 1981 विजेता, 1982 और प्यार की जीत, 1987 सभी रेखा के साथ और बेपनाह, 1985 ऋतिक अग्निहोत्री के साथ अन्य फिल्मों में, दिल ने पुकारा 1967, त्रिशूल 1978, नियत 1980, आंधी तूफान 1985, नैना 1973, फांसी 1978, सलाके 1975, फकीरा 1976 जैसी मल्टी स्टार फिल्में शामिल है। जुगनू 1978 उन्होंने राजेश खन्ना के साथ प्रेम कहानी 1975 में भी काम किया। एक ही बाल कलाकार के रूप में शशि कपूर ने तत्कालीन प्रमुख स्टार अशोक कुमार के साथ संग्राम 1950 और समाधि 1950 जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया था, जहां उन्होंने अशोक कुमार एकल प्रमुख नायक थे जो बॉक्स ऑफिस पर बहुत हिट थे। उन्होंने बेनजीर के में अशोक कुमार के छोटे भाई की भूमिका निभाई, जहां अशोक कुमार मुख्य पुरुष नायक थे। अशोक कुमार ने 1957 से 1985 तक मुख्य नायक के रूप में शशि के साथ साथ फिल्मों में सहायक अभिनेता की भूमिका निभाई, जिसमें चोरी मेरा काम, आप बीती, शंकर दादा अपना खून और मान गए उस्ताद हिट रही, जबकि हीर और हीरा और पत्थर और दो मुसाफिर हिट रही, फ्लॉप हो गए। उन्होंने दो डबल रोल फिल्में की, जिसमें से दो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, हसीना मान जाएगी और शंकर दादा। शशि ने शंकर दादा में एक गाना नंबर किया जो बॉक्स ऑफिस पर हिट रही, एक महिला के रूप में तैयार हुई। 1970 से 1980 के दशक की शुरुआत तक कपूर ने 9 फिल्मों में प्राण के साथ अभिनय किया, जिसमें बिरादरी, चोरी मेरा काम, फांसी, शंकर दादा, चक्कर पे चक्कर, राहु केतु और मान गए उस्ताद शामिल है। इससे पहले शशि ने संस्कार में प्राण के साथ बाल कलाकार के रूप में काम किया। उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ एक लोकप्रिय जोड़ी बनाई और कुल 12 फिल्मों में दो सह कलाकार में रोटी कपड़ा और मकान 1974, दीवार 1975, कभी कभी 1976, त्रिशूल 1978, काला पत्थर 1979, सुहाग 1979, दो और दो पांच 1980, शान 1980 और नमक हलाल 1982 हिट रही, जबकि ईमान धड़ाम 1977, सिलसिला 1981 और अकेला 1991 फ्लॉप रही। वह दीवार 1975 में अपनी भूमिका के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। सलीम जावेद द्वारा लिखित एक फिल्म जो कानून के विरोध में दो भाइयों के बारे में है, जिसमें कपूर एक पुलिस वाले की भूमिका निभा रही हैं। फिल्म में उनकी एक पंक्ति, मेरे पास माँ है, मेरे पास माँ है, एक प्रसिद्ध वाक्यांश है जो भारतीय लोकप्रिय संस्कृति का हिस्सा बन गया है। शशि कपूर भी नियमित रूप से स्थायी साथ कास्ट किया गया था। संजीव कुमार जैसी फिल्मों में मुक्ति 1977, त्रिशूल 1978, मुकद्दर का सिकंदर 1978, स्वयंवर 1980, सवाल 1982 और पाखंडी 1984। 1984 में अपनी पत्नी की जेनिफर की मृत्यु के बाद उनका वजन बढ़ना शुरू हो गया, लेकिन उन्हें 1985 की फिल्म अलग अलग में राजेश खन्ना द्वारा चित्रित कलाकार के रूप में उनकी वापसी की भूमिका दी गई। उनकी एक अलग अंतर्राष्ट्रीय उपस्थिति उन्हें ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में अभिनय के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जाना जाता था, विशेष रूप से इस्माइल मर्चेंट और जेम्स आइवरी द्वारा संचालित मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन, जैसे द हाउस होल्डर 1963, शेक्सपियर वल्ला 1965, उनकी भाभी फेलिसिटी कैंडल के विपरीत, बॉम्बे टॉकी 1970 और हीट एंड डक्स 1982, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल, द डिसीवर्ड 1988 और साइड स्ट्रीट्स 1998 के साथ सह अभिनय किया। उन्होंने अन्य ब्रिटिश और अमेरिकी फिल्मों में भी अभिनय किया, जैसे प्रीटी पोली,
ए मैटर ऑफ इनोसेंस 1967, हेली मिल्स सिद्धार्थ 1972, सैमी एंड रोजी गेट लाइट 1987, और मुजाफिस 1994 के साथ जेम्स आइवरी ने कपूर को पहले मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन द हाउस होल्डर, फिर शेक्सपियर वाला बॉम्बे टॉकी और हीट एंड टैक्सी में निर्देशित किया, जबकि इस्माइल मर्चेंट ने उन्हें इन कस्टडी 1993 में निर्देशित किया। बॉलीवुड फिल्मों और ब्रिटिश फिल्मों में बड़े पैमाने पर काम करने वाले भारतीय अभिनेता थे। 1978 में उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस फिल्म वालस स्थापित किया, जिससे जनून 1978, कलयुग 1981, 36 चौरंगी लेन 1981, विजेता 1982, उत्सव 1984 जैसे समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों का निर्माण किया। 1991 में उन्होंने अजूबा नामक एक फतांसी फिल्म का निर्माण किया, निर्देशक किया, जिसमें उन्होंने सह कलाकार अमिताभ और भतीजे ऋषि कपूर मुख्य भूमिका में थे। शशि कपूर दूसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हिंदी फिल्म अभिनेता थे। उन्होंने 1970 से 1975 देव आनंद के साथ स्थान साझा किया और 1976 से 1982 तक विनोद खन्ना के साथ स्थान साझा करते हुए तीसरे सबसे अधिक भुगतान पाने वाले हिंदी अभिनेता थे। उन्होंने 1970 से 1987 तक सबसे अधिक भुगतान पाने वाले भारतीय अभिनेता राजेश खन्ना थे। शशि को मल्टी स्टार फिल्मों से सह अभिनेत्री विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शशि कपूर और रणधीर कपूर से अधिक भुगतान किया गया। हालांकि संजीव कुमार, प्राण और धर्मेंद्र शशि के समान दर से भुगतान किया गया। सभी प्रमुख अभिनेता में केवल राजेश खन्ना को शशि से अधिक भुगतान किया गया था। केवल दो फिल्मों में उन्होंने अभिनय किया, प्रेम कहानी और अलग अलग। कपूर खानदान में कपूर की खास पहचान थी। वह अपने भतीजे ऋषि कपूर, रणधीर कपूर और राजीव की तुलना में अधिक बार 61 फिल्में एकल नायक रहे हैं और अधिक हिंदी फिल्में 116 में मुख्य नायक के रूप में, और अपने भाई राज कपूर, शम्मी कपूर और उनकी उनसे भी अधिक है भतीजे और भतीजे। उन्होंने 1987 के बाद से फिल्मों में एक चरित्र अभिनेता के रूप में बहुत कम भूमिका स्वीकार की। उन्होंने द डिसीवर्ड 1988 में पीएस ब्रॉसन के साथ अभिनय किया। शशि कपूर ने अमिताभ बच्चन से उनकी महत्वाकांक्षी निर्देशक वाली पहली फिल्म अजूबा में अभिनय करने का अनुरोध किया। अमिताभ बच्चन ने एक उल्लेखनीय अपवाद बनाया और उनकी दोस्ती के कारण फिल्म करने के लिए सहमत हुए। भले ही उस समय अमिताभ कोई नई फिल्म साइन नहीं कर रहे थे, एक भव्य बजट और एक मेगा स्टार लाइन अप के साथ फिल्म को विदेशों में हिट के रूप में वर्गीकृत किया गया। हालांकि इसने भारत में बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं किया। वर्षों से इसी कहानी कहने और अमिताभ बच्चन, ऋषि कपूर, शम्मी कपूर और अमरीश पुरी के अभिनय के लिए इसकी सराहना की गई। कपूर ने भी 1993 की फिल्म में अपने अभिनय के लिए राष्ट्रीय स्पेशल जूरी पुरस्कार जीता। कस्टडी और टीवी में राजा खेला अनुकूल के गुलीवर्स ट्रेवल्स 1996, 1998 में उन्होंने जिन्ना और साइड स्टीडर्स में अपनी अंतिम फिल्म प्रदर्शित होने के बाद अभिनय से संन्यास ले लिया। उन्हें मस्कट ओमन 19 दिसंबर 2007 में आयोजित शशि कपूर फिल्म समारोह में सुर्खियों में देखा गया था। वह पर 55वें वार्षिक फिल्म फेयर पुरस्कार 2010 में शशि कपूर प्राप्त फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मान किया गया। ने भाग लिया डॉन बॉस्को हाई स्कूल में मटुंगा मुंबई। वह 1956 में कोलकाता में अंग्रेजी अभिनेत्री जेनिफर कैडल से मिले, जब दोनों अपने थे अपने थिएटर समूह के लिए काम कर रहे थे।
शशि अपने पिता के थिएटर ग्रुप पृथ्वी थिएटर के लिए सहायक मंच प्रबंधक के साथ साथ एक अभिनेता भी थे। उसी समय जेफरी गेडल का समूह भी कोलकाता में मौजूद था और जेनिफर जेफरी के बेटी थे। उनकी बाद में मुलाकात के बाद दंपत्ति को प्यार हो गया और कैडेलो की शुरुआत विरोध और भाभी गीता मलिक के समर्थन का सामना करना पड़ा। उन्होंने जुलाई 1958 में शादी कर ली। उन्होंने एक साथ कई फिल्मों में अभिनय किया, विशेष रूप से मर्चेंट आइवरी प्रोडक्शन में। अपने 3 बच्चे थे, कुणाल कपूर, करण कपूर और संजना कपूर। जेनिफर और सचिन ने 5 नवंबर 1978 को मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की। 1984 में जेनिफर की कैंसर से मृत्यु हो गई, जिसने उन्हें तोड़ दिया। कैंसर से हारने के बाद शशि कपूर एक गहरे अवसाद में गिर गए, जिससे वह कभी उभर नहीं पाए। अंग्रेजी अभिनेत्री फेलिसिटी कैडल उनकी भाभी है। उनके सबसे छोटे बेटे कुणाल की शादी निर्देशक रमेश सिप्पी की बेटी से हुई है। कुणाल ने विज्ञापन फिल्म निर्देशक में कदम रखा और अपना प्रोडक्शन हाउस एड फिल्म लास्ट स्थापित किया। शशि की बेटी संचय थिएटर व्यक्तित्व है और वन्य जीव संरक्षणवादी वाल्मीकि थापर से शादी की है। उनका हमीर नाम का एक पुत्र है। शशि का छोटा बेटा करण मॉडलिंग में सफल हुआ और बाद में लंदन में बस गया और एक फोटोग्राफी कंपनी चलाता है। कपूर को कोकाबलिन अस्पताल वसोरम मुंबई में भर्ती कराया गया था, जिससे सीने के संक्रमण होने का अनुमान लगाया गया था और 4 दिसंबर 2017 को उनकी मृत्यु हो गई। द गार्जियन के अनुसार वह लंबे समय से जिगर और हृदय की जटिलताओं से इलाज के लिए अस्पताल में थे और हमेशा अन्य रोगियों की मदद करता था। आधिकारिक तौर पर उनकी मृत्यु का कारण लीवर सिरोसिस को बताया गया था। उनके शरीर का अंतिम संस्कार किया गया था। उनके शरीर और कपूर और अभिनेत्री श्रीदेवी, जिनका 2017 में निधन हो गया, केवल 2 भारतीय थे जिन्होंने मरणोपरांत वे अकेडमी पुरस्कार में स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया था। शशि कपूर जब भी काम या फुर्सत के लिए कोलकाता में होते थे तो वे फेयरलैंड होटल का कमरा 17 ही एकमात्र पता होता था जहाँ वे मिलते थे। 238 साल पुराने इस होटल को फिर से स्थापित किया गया और एलिंग फेयरलैंड कोलकाता के रूप में फिर से नाम दिया गया। जब एलिंग होटल्स एंड रिटायर्स ने कुछ फिर से नाम दिया गया, साथ पहले का स्वामीनाथ संभाला था। इस महान अतिथि को सुल्तान जी के रूप में अब इस कमरे का नाम बदल कर शशि कपूर कक्ष कर दिया गया है। रविंद्रनाथ पोल के अनुसार जो 40 वर्षों से कोलकाता के एलिंग फेयरवेल का प्रबंध कर रहे हैं, वह स्थान था जहाँ कपूर 156 में अपनी पत्नी जेनिफर केडल से मिले थे। वह अपने परिवार के साथ होटल में एक अतिथि थी, जिसमें पास एक यात्रा थी। थिएटर कंपनी शेक्सपियराना, जिसने पूरे भारत में शेक्सपियर के नाटकों का निर्माण किया। दंपत्ति के बच्चे कुणाल कपूर, करण कपूर, संजना बाद में यहाँ रुके हैं। 2011 में भारत सरकार ने उन्हें सिनेमा में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण में सम्मानित किया। शशि कपूर, दीपा गहलोत पृथ्वी थिएटर द्वारा पृथ्वी वालों का प्रस्तुत करें। चलिए गाइस, बात करते हैं इसमें दूसरे भिन्न अभिनेता की। ओम प्रकाश का जन्म 19 दिसंबर 1919 को हुआ था। वे एक भारतीय चरित्र अभिनेता थे। उनका जन्म जम्मू में ओम प्रकाश शिवर के रूप में हुआ था। वह प्रसिद्ध दीवान मंदिर नाटक समाज जम्मू के मंशी नाटक में कमला की भूमिका निभाते थे। 1942 में अपने करियर की शुरुआत के बाद से वह
1950 से 1980 के दशक तक एक लोकप्रिय सहायक अभिनेता थे। उन्होंने जहारा की शीर्ष भूमिका में, भारत भूषण, शशिकला, पृथ्वी राज कपूर और माला सिन्हा अभिनीत का भी निर्माण किया। ओम प्रकाश ने 10 लाख, आनंदाना, चरण दास और साधु और शैतान जैसी फिल्मों में प्रमुख भूमिका निभाई। दिल दौलत दुनिया, गोपी, अपना देश, चुपके चुपके, जूली, जोरों का गुलाम, आ गले लग जा, प्यार किया, जा पड़ोसन और बुध मिल गया फिल्मों में उनकी प्रमुख भूमिकाएं के साथ उनकी सर्वश्रेष्ठ भूमिकाओं में एक मान जाती है। जंजीर में, नमक हलाल और डी सिल्वा शराबी, भरोसे में से उनकी भूमिकाएं, तेरे घर के सामने, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, लोफर और दिल तेरा दीवाना। उन्हें कॉमेडी फिल्मों में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। उनके बाद के वर्षों में उनके सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में से एक नौकर बीवी का, शराबी और चमेली की शादी थी, जहाँ उन्होंने एक भूमिका निभाई जो फिल्म के लिए महत्वपूर्ण थी। दिलीप कुमार के साथ गोपी में उनकी भूमिका अभिनय के मामले में सर्वश्रेष्ठ मान जाती है। और उसको भी लगता है कि उन्होंने दिलीप कुमार के सामने दुखद दृश्यों में बेहतर अभिनय किया। एक बार दिलीप कुमार ने इस तथ्य को खुलासा किया, मैं अपने अभिनय करियर में केवल एक बार डरता था और यह गोपी के दौरान था, जब ओम प्रकाश जी के प्रदर्शन ने मुझ पर भारी प्रभाव डाला। वे रंगमंच, संगीत और फिल्मों में मोहित थे। उन्होंने केवल 12 साल की उम्र में शास्त्रीय संगीत में सबक लेना शुरू कर दिया था और कुछ ही समय में एक मास्टर के रूप में पहचाने जाने लगे। वह 1937 में 25 रुपये के मासिक वेतन पर ऑल इंडिया रेडियो में शामिल हुए। उन्हें फतेह दिन के रूप में जाना जाता था। एक रेडियो व्यक्तित्व और उनके कार्यक्रमों ने उन्हें पूरे पंजाब में लोकप्रिय बना दिया। वह एक दिन एक शादी में लोगों का मनोरंजन कर रहे थे, जब गाने जाने माने फिल्म निर्माता दलसुख पंचोली ने उन्हें देखा और उन्हें अपने लाहौर कार्यालय में देखने के लिए कहा। पंचोली ने प्रकाश को बतौर अभिनेता पहला ब्रेक फिल्म दासी में दिया था। उन्हें केवल 80 रुपये का भुगतान किया गया था, लेकिन फिल्म ने उन्हें उस तरह की पहचान दिलाई जो उन्हें जीवन भर के लिए आजीविका का साधन देगी। यह उनकी पहली प्रमुख भूमिका थी। उन्होंने एक मूक फिल्म शरीफ बदमाश में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। उन्होंने दासी और पंचोली की धमकी और आई बाहर में अपने अच्छे काम का अनुसरण किया। विभाजन के तुरंत बाद वे दिल्ली और फिर बॉम्बे आ गए। बलदेव राज चोपड़ा ने उनकी प्रतिभा को तब देखा जब वे उन पत्रकार और आलोचक थे। उन्होंने प्रकाश से अपने अभिनय करियर को जारी रखने का आग्रह किया। उन्हें यकीन था कि ओम प्रकाश में खुद एक बखूबी अभिनेता साबित करने की प्रतिभा है। अभिनेता को कुछ संघर्ष करना पड़ा। खलनायक के रूप में उन्हें पहला ब्रेक लखपति नामक फिल्म में मिला। इसने उन्हें प्रशंसा दिलाई और उन्हें लाहौर, 4 दिन और रात की रानी जैसी फिल्मों में भूमिका मिली। अपने करियर के इस चरण के दौरान उन्हें दिलीप कुमार, सरगम के साथ आजाद किया साथ, राज कपूर और मिस मैरी, बहार, पहली झलक, आशा और मानव मोजी, मनमोजी साथ किशोर कुमार के साथ, हावड़ा ब्रिज के साथ अशोक कुमार और फिर तेरे घर के सामने के साथ देव आनंद। दिलीप कुमार, राज कपूर, अशोक कुमार, किशोर कुमार और देवानंद जैसे शक्तिशाली स्टार व्यक्तियों की उपस्थिति के बावजूद उन्होंने दोनों फिल्मों में उनके प्रदर्शन के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपनी खुद की एक शैली विकसित की थी, एक ऐसी शैली जो उन्होंने आगे ले जाने वाली थी और अगले 40 वर्षों तक फिल्म मनोरंजन की दुनिया में एक बड़ा नाम कमाने वाली थी। ओम प्रकाश जल्द ही घरेलू नाम बन गया। वह अपने द्वार निभाए कर लगभग हर किरदार में अच्छे थे। वह कॉमेडियन था, पारिवारिक व्यक्ति, समस्या का बोझ था, लेख और शराबी, बुरे दिनों में खलनायक के बुरे मनसूबों के कारण गिर गया। प्यार में बूढ़ा आदमी, चतुर राजनेता और दिल वाला बड़ा भाई सोने का। उन्होंने
उसी सजिता के साथ कई तरह के किरदार निभाए और कुछ बेहतरीन निर्देशक ने उनके लिए हर बार एक भूमिका निभाई जो उन्हें लगा कि केवल वे ही निभा सकते हैं। गोपी में उनकी भूमिकाओं को आज भी याद किया जाता है, जिसको शीर्ष लोगों का मानना है कि उन्होंने दिलीप साहब को भारी पड़ गया है। ओम प्रकाश एक बहुमुखी अभिनेता थे जिन्हें नाम 307 फिल्मों थी। एक अपने हाथ से भी नहीं कभी नहीं भूल सकता हावड़ा ब्रिज 10 लाख। वह इस प्रदर्शन के लिए अपनी पहली मुख्य पुरस्कार जीता। प्यार किए जा पड़ोसन, साधु और शैतान, दिल दौलत दुनिया, चुपके चुपके, नमक हलाल, गोलमाल और चमेली की शादी। गोपी में दिलीप कुमार के बड़े भाई के रूप में उनके प्रदर्शन ने उनके करियर को नई गति दी। उन्होंने साबित कर दिया कि परिपक्व भूमिका समा सजता और गहराई के साथ निभा सकते हैं। चाचा जिंदाबाद, खानदान जैसी फिल्में, हरियाली में और रास्ता, दिल अपना और प्रीत पराई, नींद हमारी, ख्वाब तुम्हारे, मेरे हमदम मेरे दोस्त, एक श्रीमान एक श्रीमती, डोली चिराग, अमर प्रेम, आँख मिचोली, एक हसीना दो दीवाने, अनुराग जंजीर, सजीना, आ गले लग जा, लोफर, रोटी जूली, खुशबू लवारिस, बंदिश शराबी और चमेली की शादी। अमिताभ बच्चन के साथ ओम प्रकाश का खास रिश्ता रहा और दोनों ने जंजीर से लेकर शराबी तक कई सफल फिल्मों में काम किया। प्रकाश के संजोग जहान आरा और गेटवे ऑफ इंडिया से कई फिल्मों का निर्माण किया। ओम प्रकाश को अपने घर में बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ा और उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल में ले जाया गया, जहाँ उन्होंने एक दिल और दिल का दौरा पड़ा और वह कोमा में चले गए, जहाँ से कभी उबर नहीं पाए। 21 फरवरी 1998 को उनका निधन हो गया। दासी, जमीन आसमान, चमन, जलसा, एक तेरी निशानी, नाच, सावन, रातों की रानी, लाहौर, एक तेरी निशानी, 4 दिन, वंसारिया, भैया जी, मदारी, सेठ रूपचंद के रूप में, सरगम, सबक रुपया, सबज बाग, नाजनीन, खजाना बहार, अनहोनी, पूनम, हमारी दुनिया, घुंघरू, रेल का डिब्बा, फिरदौस, धुआं, 40 बाबा, एक चोर, आस, रमन, इन जब दोस्त, पूजा, कभी डंका, चोर बाजार, मरीन ड्राइव, सितारा, पहली मुसाफिर, खाना लुटेरा, लगान, कुंदन, भाग आजाद, अलबेली, मेम साबित, पटरानी, ढाके की मलमल, मालों के ख्वाब, जाली नोट, दिल अपना और प्रीत पुरानी। 10 लाख, दो दिलों का दास्तान, लत साहब दुनिया भर में, अमन, दो गलियां, पड़ोसन, साधु और शैतान, परिवार, मेरे हमदम मेरे दोस्त, कन्यादान, गोरी, एक काली मुस्कान, मन का मीत, ठाकुर देलर सिंह के रूप में सैनिक, प्यासे शाम, साजन, एक श्रीमान एक श्रीमती, डोरी चिराग, बड़ी दीदी, सुहाना सफर, मेरे नाम जोकर, सास भी कभी बहू थी, पुष्पांजलि, पूरब और पश्चिम, गोपी, घर घर की कहानी, अंशु और मस्कान, परवाना, पराया धन, बुध मिल गया, नारद, लीला, मालिक, तेरे बंदे हम, कवि सम्मेलन, अमर प्रेम, एक हसीना दो दीवाने, जोरों का गिलाम, सबका साथी, रानी मेरा नाम, मोमे की गुड़िया, दिल दौला दुनिया, अपना देश, अना दाना, अन्नदाता, आँख मिचोली, जय हनुमान, लोफर, जंजीर, आ गले लग जा, किशोर चोर, फागुन, मन जीत जग जीत, कहानी हम सब की, क्षितिज, नया दिन नई रात, दो चट्टाने सगीना, इंटरनेशनल कुकर, रोटी दुख भजन, तेरा नाम, चौकीदार, अर्चना, वरदान, सिक्किम में रोमियो,
आंधी झूली, चुपके चुपके सुनहरा संसार, राजा धोती लोटा और चौपाड़ी, खुशबू संगत संगत पापा तेर तारे अनक, नहले पे दलहा माँ अलाप, आशिक हूँ बहारों का टिंकू साहब बहादुर, मेरा वचन गीत की कसम तू मियादारी, चरण दास आखरी गोली, सोने की लंका नया दौर, परमात्मा नाव सब हमारा संसार, डाकू और जवान गोलमाल, खुशी परिवार बेबस, दोनों प्रेमी दो और दो पांच, अब्दुल्ला बंदिश आस पास नरम गरम लवारिस, इतनी सी बात बीवी ओ बीवी, धनवान एक और एक 11, शारदा मन गए उत्साह उत्स, भरोसा अंत का जवाब पत्थर, नमक हलाल बदले की आग, दिले नादान प्रेम रोग, धर्म कांता जोनी आई लव यू, लव एंड गोवा रंग बरंगी, नौकरी बीवी का शुभकामना प्यासी आखे, एक दिन बहू का शराबी राज तिलक, राम की गंगा इश्क नहीं एहसान, राजा और राणा प्यारे होठ, दो दिल की दास्तान, मीठा जहर अलग अलग, और बाप काली बस्ती, कांच की दीवार, चमेली की शादी, भगवान दादा करम दाता, इंसानियत के दुश्मन ईमानदार, कलयुग और रामायण, राही हवालत मुकद्दर का फैसला, मोहब्बत के दुश्मन हलाल की कमाई, 20 साल बाद वफा, पति पत्नी और तवायक, घर हो तो ऐसा प्रतिकार, लक्ष्मण रेखा ये है घर की महाभारत, कभी धूप कभी छाव, शुरुआत घर की इज्जत भाई नंबर 1। लता मंगेशकर। लता मंगेशकर का जन्म 27 सितंबर को हुआ था। यह भारतीय पार्श्व गायिका और संगीत निर्देशक है। वह भारत में सबसे प्रसिद्ध और सबसे सम्मानित पार्श्व गायकों में से एक है। उन्होंने 1000 से अधिक हिंदी फिल्में गाने रिकॉर्ड किए हैं और 36 से अधिक भारतीय भाषा और विदेशी भाषाओं में गाने गाए, हालांकि मुख्य रूप से मराठी, उर्दू, हिंदी और बंगाली में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में 1989 में उसे भारत सरकार 2001 में राष्ट्र उनके योगदान से सम्मान भी, उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वह सम्मान प्राप्त करने के लिए MS शुभलक्ष्मी के बाद केवल दूसरी गायिका है। फ्रांस ने उन्हें 2007 में अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार लीजन ऑफ ऑनर के अधिकारी से सम्मान किया। वह 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, 15 बंगाल फिल्म पत्रकार संघ पुरस्कार, 4 फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार, 2 फिल्मफेयर विशेष पुरस्कार, फिल्मफेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार और अन्य प्राप्त करता है। 1974 में वह प्रदर्शन करने वाली पहली भारतीय बन गए रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन। उनके 4 भाई बहन हैं, वीना खादीकर, आशा भोसले, उषा मंगेशकर और हृदय नाथ मंगेशकर, जिसमें से वह सबसे बड़ी हैं। लता मंगेशकर 1929 में पैदा हुई थी और की सबसे बड़ी बेटी पंडित दीनाथ मंगेशकर, एक मराठी और कोंकणी संगीतकार, उनकी पत्नी शिवांती में इंदौर, उनके पिता पंडित दीनाथ मंगेशकर एक शास्त्रीय गायक और थिएटर अभिनेता थे। उनकी माँ श्रीमती थान ने बॉम्बे प्रेसिडेंसी की एक गुजराती महिला थी। दीनाथ की दूसरी पत्नी थी, उनकी पहली पत्नी निर्माता है जिसकी मृत्यु हो गई चुकी थी, शिवांती की बड़े बहन हैं थी। लता के दादा गणेश भट्ट एक करहादेव ब्राह्मण पुजारी थे, जो प्रदर्शन के अभिषेक और शिव शिवलिंग पर मंदिर में गोविया और उसके पैतृक दादी ये सुबाई रानी के थे। मराठा समाज समुदाय के गोवा और लता ने नाना गुजराती व्यापारी सेठ हरिदास रामदास
लड़की समृद्ध व्यापारी और थाल नान के मकान मालिक था, और मंगेशकर ने गुजराती जैसे लोकगीत गरबाज और पावगढ़ उसकी नानी से। दीनानाथ ने अपने करियर की पहचान अपने पैतृक शहर मंगेशी गोवा के साथ करने के लिए अपना अपना मंगेशकर अपनाया। लता ने जन्म के समय उनका नाम हेमा रखा गया था उनके माता पिता के बाद। उनका नाम बदल कर अपने पिता के नाटा भावंदन में एक महिला चित्र लतिका के नाम पर रख दिया। लता परिवार में सबसे बड़ी संतान है। मीना, आशा, उषा और हृदयनाथ जन्म क्रम में उनके भाई बहन हैं। सभी कुशल गायक और संगीतकार हैं। लता ने संगीत की पहली शिक्षा अपने पिता से प्राप्त की। 5 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता के संगीत नाटकों में एक अभिनेत्री के रूप में काम करना शुरू कर दिया। अपने स्कूल के पहले दिन उसने स्कूल छोड़ दिया क्योंकि वह अपनी बहन आशा को अपने साथ लाने की उम्मीद नहीं देती थी, क्योंकि वह अक्सर अपनी छोटी बहन को अपने साथ लाती थी। 1942 में जब लता 13 वर्ष की थी, उनके पिता की हृदय रोग से मृत्यु हो गई। नवयुग चित्रपट फिल्म कंपनी के मालिक और मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त मास्टर विनायक ने उनकी देखभाल की। उन्होंने लता को एक गायक और अभिनेत्री के रूप में अपना करियर शुरू करने में मदद की। लता ने नाचू या गाड़े, खेलो सारी मणि, होशियारी गीत गाया था, जिसे सदाशिव राय नवेकर ने वसंत जगलेकर की मराठी फिल्म कटिहासाल के संगीत बोध किया था, लेकिन गेट काउंटिंग कट से हटा दिया गया था। विनायक ने उन्हें नवयुग चित्रपटा की मराठी फिल्म पहली मंगला गौर में एक छोटी भूमिका थी, जिसमें उन्हें नताली चतुर्चि नरवाई गाया, जिसे दादा जंदेकर ने संगीत बोध किया था। मराठी फिल्म गजभाव ने उन्हें पहला गीत हिंदी गीता दी, माता एक सपूत की दुनिया बदल दे तू। लता 1945 में मुंबई चली गई। अब मास्टर विनय की कंपनी ने मुख्यालय वहां स्थानित कर दिया। उन्हें भिंडी बाजार घराने के साथ आमन अली खान ने से हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत की शिक्षा लेनी शुरू की। उन्होंने वसंत जंगलेकर की हिंदी भाषा की फिल्म आपकी सेवा में लिए पाल लगून करजूरी गया, जिसे दत्ता दावेशकर ने संगीत बोध किया था। फिर मैं नृत्य रोहिणी भाटे ने किया था, जो बाद में प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना बनी। लता और उनकी बहन आशा ने विनायक की पहली संगीत भाषा की फिल्म बड़ी माँ में छोटी भूमिका निभाई। उस फिल्म में लता ने भजन भी गाया था, माता तेरे चरणों में। विनायक की दूसरी हिंदी फिल्म की फोन सुभद्रा के रिकॉर्डिंग के दौरान उनका संगीत निर्देशक वसंत देसाई से परिचय हुआ। 1948 में विनायक की मृत्यु के बाद संगीत निर्देशक गुलाम हैदर ने उन्हें एक नायिका के रूप में सलाह दी। उन्होंने लता की निर्माता शशिधर मुखर्जी से मिलवाया, जो उस समय सहित फिल्म में काम कर रहे थे, लेकिन मुखर्जी ने लता की आवाज़ को बहुत पतली कहकर खारिज कर दिया। नाराज हैदर ने जवाब दिया कि आने वाले वर्षों में निर्माता निर्देशक अपनी फिल्मों में गाना के बिना तय के चरणों में गिरेंगे और उनसे भीख मांगे। हैदर को लता का पहला बड़ा ब्रेक दिल मेरा तोड़ा, मुझे नहीं कहीं ना छोड़ा गाने के साथ दिया। नजीम पानीपत के गीत फिल्म मजबूर में, जो पहली बार बड़ी सफलता वाली फिल्म बनी। दिसंबर 2013 में अपने 84 जन्मदिन पर एक हस्ताक्षर में लता ने स्वयं घोषणा की, गुलाम हैदर वास्तव में मेरे गॉडफादर हैं, और वह है अपने संगीत निर्देशक थे जिन्होंने मेरी प्रतिभा पर पूर्ण विश्वास दिखाया। कहा जाता है कि शुरुआत में लता ने प्रशिक्षित गायिका नूरजहां की नकल की, लेकिन बाद में उन्होंने गायन की अपनी शैली विकसित की। हिंदी फिल्मों में गीत के बोल मुख्य रूप से उर्दू कवि द्वारा रचित थे, और इसमें संवाद सहित उर्दू शब्दों का अनुपात अधिक है। अभिनेता दिलीप कुमार ने एक बार हिंदी उर्दू गाने गाते हुए लता के महाराष्ट्रीय लहजे के बारे में हल्की सी आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इसलिए कुछ समय के लिए लता ने शफी नाम के एक उर्दू शिक्षक से उर्दू की शिक्षा ली। बाद के हस्ताक्षरों में लता ने कहा कि नूरजहां ने उन्हें एक बच्चे के रूप में सुना था और उन्हें बहुत अभ्यास करने के लिए कहा था। आने वाले कई सालों तक दोनों एक दूसरे के संपर्क में रहे।
उनकी पहली हिट फिल्म में एक आएगा आने वाला थी जो फिल्म महल का एक गीत था। इस संगीत निर्देशक हेमचंद प्रकाश द्वारा संगीत बोध किया गया था। अभिनेत्री मूवी मधुबाला द्वारा स्क्रीन पर लिप सिंक किया गया था। 1950 के दशक में लता ने अनिल विश्वास और हीर शंकर जयकिशन नौशाद अली एन सी बर्मन शार्दुल सिंह कोतरा अमरनाथ से तीनों संगीत निर्देशक के द्वारा रचित गीत गाए। सुहासिन और भगत राम बहन मीना बाजार आधी रात छोटी भाभी अफसाना आंसू और ऐदल ऐ जहांगीर जैसे फिल्मों में शीर्ष रामचंद्र हेमंत कुमार सलील चौधरी दाता नायक खयाम रवि सज्जाद हुसैन रोशन कल्याण जैन जी वसंत देसाई सुधीर फड़के हंसराज बहल मदन मोहन और उषा खन्ना ने 1955 की श्रीलंकाई फिल्म सेडा सुंगल के सिंगल के में गीत श्रीलंका माँ प्रिया दारा जया भूमिका गाया। उन्होंने तमिल पश गायक में अपनी शुरुआत 1956 में वन वन राधा में के साथ की। तमिल में डब किया फिल्म संगीत एंथन कर्नालन के साथ डब संस्करण में निमी नौशाद द्वारा रचित है। लता ने दीवार बैजू बावरा अमर ओरन खोटला मदर इंडिया जैसी फिल्मों में नौशाद के लिए कई राग आधारित गीत गाए। ऐ छोरों की जाट बड़ी बेवफा जेम दुरानी सातिक युगल गीत संगीतकार नौशाद के लिए उनका पहला गीत था। शंकर जयकिशन की जोड़ी ने बरसात आशी 420 और चोरी चोरी के लिए लता को चुना। 1957 में पहले संगीतकार एस डी बर्मन सजा हाउस नंबर 44 और देवदास में अपने संगीत स्कोर के लिए लता को प्रमुख महिला गायक के रूप में चुना। हालांकि 1957 में लता बर्मन के बीच एक दरार पैदा हो गई और उन्होंने 1962 में तक उनकी रचना को फिर से नहीं गाया। लता एक सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार गायक के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए सलिल चौधरी की रचना आजारे परदेसी मधुमती श्री रामचंद्र के साथ लता मंगेशकर का संबंध है जो कई फिल्मों गाने का उत्पादन किया। अलबेला अनारकली पहली झलक आजाद आशा और अमरदीप मदन मोहन के लिए उन्होंने बागी रेलवे प्लेटफॉर्म पाकिटमार मिस्टर लंबू जैसी फिल्मों भी नहीं किया। देख कबीरा रोया अदालत जेलर मोहर और चाचा जिंदाबाद मुगले आजम का लता का गीत प्यार किया तो डरना क्या नौशाद द्वारा रचित और मधुबाला द्वारा लिपसिंग किया गया आज भी प्रदर्श है। हवाई संख्या जिन दास्तां है ये दिल अपना और प्रीत पराई द्वारा रचा गया था। शंकर जय किशन और लिप सिंह किए गए मीना कुमारी। 1961 में लता ने बर्मन के साथ जयदेव के लिए दो लोकप्रिय भजन अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरे नाम रिकॉर्ड किए। 1962 में हेमंत कुमार द्वारा रचित 20 साल बाद के गीत कहीं दीप जले कहीं दिल ने उन्हें अपने दूसरे फिल्म फेयर से सम्मानित किया गया। 27 जनवरी 1963 को भारत संघ की पृष्ठभूमि के खिलाफ लता जवाहर नेहरू तत्कालीन प्रधानमंत्री की उपस्थिति में देशभक्ति गीत आ मेरे वतन के लोगों गाया। भारत की श्री रामचंद्र द्वारा रचित और कवि प्रदीप द्वारा लिखे इस गीत के बारे में कहा जाता है कि इसने प्रधानमंत्री की आंखों में आंसू ला दिए थे। 1963 में लता एस डी बर्मन के साथ संयोग करने के लिए लौटी। उन्होंने आर डी बर्मन की फिल्म पहली फिल्म छोटे नवाब और बाद में की फिल्म जैसे भूत बंगला पति पत्नी बारो के साम सपने और अभिलाषा में गया था। उन्होंने एस डी बर्मन के लिए कई लोकप्रिय गाने भी रिकॉर्ड किए जिसमें आज फिर जीने की तमन्ना है गाते रहे मेरा दिल किशोर कुमार के साथ युगल गीत और गाइड से या तो से हो तो पे ऐसी बात शामिल है। गहना चोर तलाश में कितनी अकेली कितनी तनहा 1960 में के दशक के दौरान लता मंगेशकर ने मदन मोहन के साथ अपना जुड़ाव जारी रखा। इसमें अनपढ़ लग जा गले और
वो कौन थी? से नैना बरसे रिमझिम गाने शामिल थे। जहानारा से वो चुप रहे तो मेरा साया, से तू जहान जहां लगेगा, और चिराग से तेरी आंखों के शिवा। और वह एक निरंतर थी उस साथ, शंकर जयशंकर के साथ जुड़ा। उन्होंने 60 के दशक में विभिन्न शैलियों में गाने के लिए प्रेरित किया। 1960 के दशक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ मंगेशकर के जुड़ाव की शुरुआत हुई। सगे ने जो जिसके लिए उन्होंने अपने करियर के सबसे लोकप्रिय गाने 1963 में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का लता मंगेशकर के साथ जुड़ाव वर्षों से मजबूत हुआ। लता मंगेशकर ने 35 वर्षों की अवधि में संगीतकार जोड़ी के लिए 700 से अधिक गाने गाए, जिसमें से कई बहुत हिट हुए। उन्होंने पारसमणि, मिस्टर एक्स इन बॉम्बे, आए दिल बहार की मिलन, अनीता, शागिर्द मेरे, हमदम मेरे दोस्त, इंतकाम, दो रास्ते और जीने की राह, और जिसने उन्हें अपना तीसरा फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। उन्होंने मराठी फिल्मों के लिए कई वर्ष गीत भी गाए, जिसमें हृदयनाथ, मंगेशकर, वसंत प्रभु, श्रीनिवास खले, सुधीर फड़के, और खुद से ही मराठी संगीत निर्देशकों में नाम आनंद घन के तहत संगीत दिया। 1960 और 1970 के दशक के दौरान उन्होंने शलील चौधरी और हेमंत कुमार जैसे संगीत निर्देशकों द्वारा रचित कई बंगाली गीत भी गाए। लता ने 1967 के संगीत निर्देशक लक्ष्मण पेरलेकर के लिए दो गाने गाए, रिकॉर्ड करके फिल्म क्रांतिवीर संगोली राणा के लिए कन्नड़ में शुरुआत की। गीत बेला ने बल लगाए तो का खूब सराहना और सराहा गया। 1960 के दशक में मंगेशकर ने मुकेश मनाडे, महेंद्र कपूर, मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के साथ युगल गीत रिकॉर्ड किए। 1960 के दशक के दौरान गायों की रॉयल्टी भुगतान के मुद्दे पर मोहम्मद रफी के साथ उनके अच्छे संबंध नहीं थे। मंगेशकर चाहते थे कि रफी 5% गाने की रॉयल्टी में से अधिक हिस्से की मांग में उनका समर्थन करे, जिसे फिल्म के निर्माता ने चुनिंदा संगीतकारों को दिया था। लेकिन रफी ने बिल्कुल विपरीत दृष्टिकोण लिया, और उनका मानना था कि फिल्म निर्माता पर 1% गाय का दावा गीत की सहमत शिकल भुगतान के साथ समाप्त हो गया, जिससे दोनों के बीच तनाव पैदा हो गया। गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान एक तर्क के बाद तस्वीर तेरे दिल में माया से दोनों ने एक दूसरे के साथ गाने से इनकार कर दिया। संगीत निर्देशक जय किशन के बाद में दोनों के बीच सुलह के लिए बातचीत की। 1972 में बीना कुमार की आखिरी फिल्म फकीर जो रिलीज हुई थी, जिसमें लखेंद्र द्वारा गए चलते चलते और इन्हीं लोगों ने सहित लोकप्रिय गीत शामिल है, और गुलाम मोहम्मद द्वारा रचित है। वसंत सहित से रंगीला रे, एस डी बर्मन के अंतिम फिल्मों के लिए कई लोकप्रिय गीत दर्ज की। प्रेम पुजारी, शर्मिली और पिया बेना से अभिमान और के लिए मदन मोहन के अंतिम दस्तक, हीर रांझा, दिल की राहें, हिंदुस्तान की कसम, हंसते जख्म सहित फिल्म लैला मजनू। 1970 के दशक में लता मंगेशकर ने कल ओखलेखने गीतों की रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और राहुल देव बर्मन ने की थी। 1970 के दशक में लक्ष्मीकांत प्यारेलाल द्वारा रचित उनके कई गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। उन्होंने राहुल देव बर्मन के साथ अमर प्रेम, करवा, कटी पतंग और आंधी फिल्मों में कई हिट गाने रिकॉर्ड किए। दोनों गीतकार नेहरू, सुल्तानपुरी, आनंद बख्शी और गुलजार के साथ अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं। 1973 में उन्होंने आर डी बर्मन द्वारा रचित और गुलजार द्वारा लिखित फिल्म परिचय की गीत बेटी नाम अभिताई के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता। 1974 में वह अपने ही गया मलयालम गीत फिल्म के लिए कदाली लैला द्वारा रचित सलील चौधरी और द्वारा लिखित वायलट रंपरा
1975 में उन्होंने फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार जीता। इस बार कल्याण जी आनंद जी द्वारा रचित फिल्म कोरा कागज के गीत रूठे रूठे पिया के लिए 1970 के दशक के बाद से लता मंगेशकर ने भारत में कई विदेशों में कई संगीतकारों का में मंच किया है। इसमें कई चैरिटी संगीतकारों भी शामिल है। अपना पहले संगीत का विदेशी पर रॉयल अल्बर्ट हॉल लंदन 1974 में और पहली भारतीय ऐसा करने के लिए गया था। उन्होंने मीराबाई के भजनों का एक एल्बम चल वही देश में जारी किया, उस जिसे उनके भाई हरदयाल मंगेशकर ने संगीत पोत किया था। एल्बम के कुछ भजनों सावरे रंग राशि और जारी कागज शामिल है। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने अन्य गैर फिल्मी एल्बम जारी की, जैसे कि गालियम गजलों का उनका संग्रह, मराठी लोकगीतों का एक एल्बम, गणेश आरती का एक एल्बम और श्रीनिवास खली द्वारा रचित संगीत तुकाराम के अभंग का एक एल्बम। 1978 में राज कपूर निर्देशित सत्यम शिवम सुंदरम लता मंगेशकर ने विश्व के चार्ट स्पोर्ट्स में मुख्य गीत थीम सत्या शिवा सुंदरम गाया। फिल्म की कहानी लता मंगेशकर से प्रेरित है। इसका खुलासा कपूर की बेटी रीता नंदन ने अपने नवीनतम पुस्तक में किया था। किताब में कपूर को यह कहते हुए स्पष्ट किया गया, मैंने किसी पुरुष की कहानी कल्पना की जो एक साधारण चेहरे वाली महिला के लिए गिर गया था, लेकिन एक सुनहरी आवाज थी और लता मंगेशकर की भूमिका में लेना चाहता था। 1970 के दशक के अंत और 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने उन संगीतकारों के बच्चों के साथ किया जिनके साथ उन्होंने पहले काम किया था। उन संगीतकारों को शामिल राहुल देव बर्मन और पुत्र सचिव देव बर्मन, राजेश रोशन के पुत्र रोशन, अनु मलिक, सरदार मलिक के पुत्र और आनंद मिलंत के पुत्र चित्रगुप्त। उन्होंने आसमी भाषा में गाने गाए और आसमी संगीत कार भूपेन हजारिका के साथ बहुत अच्छे संबंध विकसित किए। उन्होंने उनके निर्देशन में कई गाने रुदाली के गाने दिल हुआ हम करे ने उस साल सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड बिक्री की। 1980 के दशक के बाद में से लता मंगेशकर जैसे संगीत निर्देशक के साथ काम किया, शिवहरी मिशन, सिला फासले, विजयी चांदनी और लाल लक्ष्मण, उस्तादी उस्ताद से बेजुबान, वो जो हसीना ये कैसा फर्ज और मैंने प्यार किया कर्ज, ये दोनों के लिए सिलसिला, प्रेम रोग हीरो, प्यार झुकता नहीं जैसी अन्य फिल्मों में गाया, राम तेरी गंगा मैली नगीना, राम लखन संजोग का उनका गाना जू जू यशोदा एक चार्ट बस्टर था। 1980 के दशक में अंत में मंगेशकर ने आनंद और सत्य फिल्मों के संगीतकार एला राजा के गीतों आरोरा और वलाई ओसाई के दो बैक टू बैक गायन के साथ तमिल फिल्म वापसी की। 1980 के दशक संगीतकार जोड़ी लक्ष्मीकांत परलन उनकी सबसे बड़ी हिट शीशा हो या दिल हो में गाने लता आशा तू कितने बरस के में कर्ज कितना आसान है मैं दोस्ताना हमको भी गम में आस पास मेरे नसीब में नसीब जिंदगी की ना टूटे में क्रांति सोले बसे की एक दूसरे के लिए प्रेम रोग में ये गलिया ये शोवारा अर्पण में लिखने वाले ने लिख डाले अवतार में दिन महीन साल प्यार करने वाले और नदियाँ से जगी हीरो में संजोग में जू जू जशोदा मेरी जंग में जिंदगी हर कदम यादों की कसम में बैठ मेरे पास राम अवतार में उंगली में अंगोती और राम लखन में ओ राम जी तेरे लखन है। इन वर्षों में लता के लिए राहुल देव बर्मन की कुछ रचनाओं में अली बाबा और 40 में आजा सरे बाजार फिर वही रात बंदर बंदिया तरसे थोड़ी सी जमीन शामिल है। रोकी में क्या
यही प्यार है। लव स्टोरी में देखो मैंने देखा, कुदरत में तूने और रंगीले, शक्ति में जाने कैसे कब, जब हम जवान होंगे बेताब में जो तुरंत तो प्रिय हो गया। अगर तुम ना होते मैं हमें और जीने, तुझे नाराज कहीं मासूम कहीं ना जा, और जीवन के दिन में बड़े दिल वाला, और जाने क्या बात सनी, बुरी बुरी आंखों में अर्जुन, सागर किनारे में सागर तीन प्यार के आएंगे सवेरे वाली गाड़ी, लिबास में क्या भला है क्या खामोश, और सा अफसाना और सीली हवा लूट मार में, और मनपसंद में देवानंद के साथ राजेश खन्ना के संयोग के परिवार स्वरूप, क्रमश पास हो तुम मगर करीब, सुमन सुधार श्री चंदा जैसे गाने आए, लता के स्वयंवर कभी कभी बेजुबा में रफी के साथ मुझे छू रही है जैसे ये गल गीत गाए थे, काम चोर अंग्रेजी में कहते हैं मैं खुददार अखियो हाय अखियो निशान दुश्मन ना करी मैं आखिर क्यों, और दिल तुझे दिया मैं वादा ना तोड़ बाद में। 2004 की फिल्म इंटरनल साइंस ऑफ द वेलिस मारने के साउंड ट्रैक में दिखाया गया, वो पिलाड़ी में जैसे कि दूरियां सब मिटा दो, लता के लिए कुछ भी तो कृष्ण सबूत, बैठे बैठे आज आई पतीला, जाने क्यों मुझे थोड़ा शर्म लगता है ज्योतिषी, प्यास में दर्द की रगनी हिम्मत वाला, मिनानो में सपने जरूर खाया हम के 80 के दशक के बाद लता मंगेशकर के शाम पढ़ने जा रखा, और थोड़ी बेवफाई चंबल की कसम में सिमती हुई मैं हजार रही मिट्टी जैसे गीतों की रचना की, क्या हुआ मैं दर्द चांदी रात में दिल ने नादान, दिखाई दिए मैं बाजार चांद के पास में दिल ने नादान, एक नया रिश्ता में लोरी और किरण किरण में होशिया में भर ली तुम्हें, और आज नदियाँ आ जा। अस्सी के दशक के दौरान लता ने रविंद्र जैन के लिए राम तेरी गंगा मैली श्यामा मेरी चांद अपना सफर शायद मेरी शादी और जिंदगी प्यार का जैसे कि हिट गाने गाए, सौतन की बेटी में उषा खन्ना के लिए हम भूल गए रे, हर दिन आप मंगेशकर में चक्कर या खे देख कर, और धनवान में कुछ लोग मोहम्मद को मशाल असमी गीत में मुझसे तुम याद करना है काले काले गहरे साई की थी, जो न कर दी डॉक्टर भूपेन हजारिका ने के संगीत और गीत के साथ, जाने दो मुझे उत्तम जगदीश के लिए वारिस में गंगा जमुना सरस्वती और मेरे प्यार की मरी, जो 1985 में यूनाइटेड वे ऑफ ग्रेटर टोरंटो ने लता मंगेशकर की मैपल लीफ गार्डन प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया, एंड अमेरिकन रीत पर लता ने अपना गीत यू नीड मी गाया, कॉन्टेस्ट ने 12,000 में भाग लिया जिसमें चैरिटी के लिए 1,050,000 डॉलर जुटाए। लता मंगेशकर जैसे संगीत निर्देशकों के साथ काम किया शिवहरी में सिलसिला फासले विजय और शादी, 90 के दशक में संगीत जोड़ी लक्ष्मीकांत पहलवान उनके सबसे बड़ी हिट शीशा और दिल को गाने में लता आशा तू कितने बरस में कर्ज, 1990 के दशक के दौरान उन्होंने आनंद मिलंद नदीप श्रवण जतिन ललित दिलीप सेन समीर सेन उत्तम सिंह अनु मलिक आदेश श्रीवास्तव और एन आर रहमान सही संगीत निर्देश के साथ रिकॉर्ड किया, उन्होंने जगजीत सिंह के साथ गजलों सहित कुछ गैर फिल्मी गाने रिकॉर्ड किए, उन्होंने कुमार शानू अमित कुमार ए पी बालसुब्रमण्यम अमित नारायण हरिहरन श्री वाडकर मोहम्मद अजीज अभिजीत मशाद के साथ भी गाया, रूप कुमार राव और विनोद राठौर गुरदास मान और सोनू निगम। 1998 में मंगेशकर ने हिंदी फिल्म वाले अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस लॉन्च किया जिसमें गुलजार द्वारा निर्देशित फिल्म लेकिन
का निर्माण किया। उन्होंने फिल्म की दियारा सिली सिली फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार का अपना तीसरा राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता, जिसे उनके भाई हृदयनाथ ने संगीतबद्ध किया था। मंगेशकर ने उस समय अपने प्रोडक्शन हाउस यशस फिल्म्स के लगभग सभी यश चोपड़ा फिल्मों के लिए गाया गया, जिसमें चांदनी लम्हे, डर ये दिल लगी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, दिल तो पागल है, और बाद में मोहब्बत, मोहब्बतें, मुझसे दोस्ती करोगे और वीर ज़ारा। 1990 के दौरान मंगेशकर ने पत्थर के फूल, 100 दिन, मोहब्बत मेरी महबूब, सात आसमान, आई लव यू, दिल की बाजी, अंतिम न्याय में लक्ष्मण राम लक्ष्मण के साथ रिकॉर्ड किया बनाया। द मेलोडी ऑफ लव, द लो, हम आपके हैं कौन, मेघा, लव कुश, मंचला और दुल्हन बनू मैं तेरी। ए आर रहमान मंगेशकर के साथ कुछ गाने जिला जिले में शामिल हैं। इस अवधि के दौरान दर्ज की गई दिल से में खामोशियां गुनगुनाने लगे, 1 2 कफूर, 1 2 हाँ भरोसा, में पुकार में प्यारा सागा जुबैदा हो गए हैं, मैं जुबैदा, लुक्का छुपी में रंग दे बसंती है, रंग छाली में लगान और लाडली में रौनक। उन्होंने पुकार फिल्म में 1 2 ही भरोसा गाते और उसके उपस्थिति दर्ज की। 1994 में लता मंगेशकर ने संधावनी माई ट्रिब्यूट टू इमॉर्टल्स की रिलीज किया। एल्बम की खासियत यह थी कि लता उस समय अमर गायकों के कुछ गीतों की अपनी आवाज के प्रस्तुत करने के उनके श्रद्धा अर्पित करती है। यह गीत है कि साइकिल, मोहम्मद रफी, हेमंत कुमार, मुकेश, पंकज मलिक, किशोर कुमार, गीता दत्त, जोरा बाई, अमीर बाई, पारुल घोष और कुनन देव। मंगेशकर ने राहुल देव बर्मन के पहले और आखिरी तीन गाने गाए। 1994 में उन्होंने अपना अंतिम गीत गाया। 1942 में राहुल देव बर्मन के लिए कुछ ना कहो एक प्रेम कहानी, 1990 में लता एंड डी परफॉर्म उनके नाम के एक प्रोड्यूसर द्वारा लॉन्च किया गया था। उन्हें उसी वर्ष लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जिसने ऑस्कर सम्मान किया गया। मंगेशकर राज्यसभा के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था, हालांकि वह राज्यसभा के सत्र में नियमित रूप से शामिल नहीं, जिसकी उपसभापति थी नजमा हेपतुल्ला, प्रणब मुखर्जी और शबाना आजमी सहित सदन के कई सदस्यों ने आलोचना की। उसने अपने अनुपस्थिति कारण अवस्थता बताया। यह भी बताया गया कि उन्होंने संसद सदस्य होने के लिए दिल्ली में वेतन भत्ते घर नहीं लिया था। 2001 में लता मंगेशकर भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। उसी वर्ष उन्हें पुणे में मास्टर दीनानंद मंगेशकर अस्पताल की स्थापना की, जिसका प्रबंध लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन द्वारा किया। 5 में उन्होंने सर्वांजलि नामक एक आभूषण संग्रह तैयार किया, जिसे एक भारतीय हीरा निर्यात कंपनी अरोड़ा द्वारा तैयार किया गया। संग्रह 5 टुकड़ों की स्क्रिप्ट की नीलामी में जुटाए और पैसे का एक हिस्सा 2005 कश्मीर भूकंप राहत के लिए दान किया गया था। इसके अलावा 2001 में उन्होंने संगीतकार इलाया राजा के साथ फिल्म लज्जा के लिए अपना पहला हिंदी गीत रिकॉर्ड किया। उसने पहले इलाया राजा द्वारा तमिल तमिल और तेलुगु गाने रिकॉर्ड किए गए थे। लता मंगेशकर के गीत वड़ा ना तोड़, फिल्म इंटरनेशनल सनशाइन ऑफ द स्पॉटलेस माइंड और इसके साउंडट्रैक में शामिल किया गया था। 21 जून 2007 को उन्होंने साथ की एल्बम जारी किया, जिसमें जावेद अख्तर द्वारा लिखित और मयूर रेशपाई द्वारा रचित 8 गजल गाने जैसे थे। 12 अप्रैल 2011 को मंगेशकर सहित म्यूजिक पर बैंड बाउंड्रीज एल्बम जारी किया, जिसमें मंगेशकर और मेहंदी हसन का युगल गीत तेरा मिलना मुझे अच्छा लगे शामिल है। एल्बम में उषा मंगेशकर, सुरेश वाडकर, हीरा हरन, तुम निगम, रेखा भारद्वाज और एक अन्य पाकिस्तान के गुलाम अली, वो रेशभाई और अन्य की रचनाओं के साथ है।
चौदह साल बाद मंगेशकर ने संगीत कर नदीम श्रवण के लिए गाना रिकॉर्ड किया। बेवफा के लिए, कैसे प्रिया से पेश, थ्री के लिए कितने अजीब रिश्ते हैं यहाँ पर, और जेल के लिए दाता सुनने के बाद शिवी टंडन के लिए बार फिर मंगेशकर ने गाना रिकॉर्ड किया। सतरंगी, पैराशूट, फिल्म के लिए मेरी हंसी साई मुझे एक अंतराल के बाद मंगेशकर वापस फर्स्ट गायक गायन के लिए आया था और उसे अपने स्टूडियो में दर्ज किया। जीना क्या है, जाना मैं के लिए पता नहीं, वाई टू जीवन का एक पल, कपिल शर्मा के समलिंग प्यार की अगली कही अगली कहानी पता नहीं ना जाने क्यों। 28 नवंबर 2012 को मंगेशकर ने परेश भाई द्वारा रचित भजनों की एल्बम स्वामी समर्थ मंदिर के साथ अपना खुद का संगीत एल्बम म्यूजिक लॉन्च किया। उन एल्बम में अपनी छोटी बहन उषा के साथ गाया। 2015 में उन्होंने एक बंगाली एल्बम शोर दुवानी रिकॉर्ड किया जिसमें सलीम सरवती की कविता भी शामिल है। इसे पाई ने भी समय दूर किया है। 30 मार्च 2019 को मंगेशकर ने भारतीय सेना और राष्ट्र को श्रद्धांजलि के रूप में मयूरेश पाई द्वारा रचित सौगंध मुझे इस मिट्टी की गीत जारी किया। मंगेशकर ने बंगाली में 85 गाने गाए हैं। उन्होंने हेमंत कुमार द्वारा रचित हिट गाने प्रेम एक पारी ऐसे लो नरीबो के साथ अपनी शुरुआत की। उसी वर्ष उन्होंने भूपेन हजारिका द्वारा रचित रोगीला बशीत रिकॉर्ड किया जो एक हिट भी थी। 1950 के दशक में उत्तरार्ध में उन्होंने जारे उड़े जारे पाखी ना जियो ना और आगो चार खींचू तोए जैसे हिट फिल्मों का रिकॉर्ड किया जो सभी सलील चौधरी द्वारा रचित थे। और उन्होंने परमर्श जा के रूप में हिंदी में रूपांतरित किया गया था। माया मेरे उठ जाल पांची और तस्वीर तेरे दिल में और पारक में और सजना 1960 में उन्होंने आकाश प्रदीप ज्वेले रिकॉर्ड किया जो आज भी हिट हिट है। बाद में 1960 के दशक में संगीत दास गुप्ता हेमंत कुमार और जैसे संगीतकार द्वारा सात भाई चंपा के प्रथम के जी ऐसी निझुम संध्या चंचल सोम मनमोना आश्चर्य शाबो भूल ची तो मरकाने और आज मुन चेचे 1940 के दशक से 1970 के दशक तक मंगेशकर ने आशा भोसले सुराया श्यामत बेगम उषा मंगेशकर मोहम्मद रफी किशोर कुमार मुकेश तलतल महमूद मनाडे हेमंत कुमार जी दुरानी और महेंद्र कपूर के साथ ही फिल्म गीत गाए। 1964 में उन्होंने मैं अभी लड़की हूँ और पीवी श्रीनाथ के साथ चंदा से हो गया। 1976 में मुकेश की मृत्यु हो गई। 1980 के दशक में मोहम्मद रफी किशोर कुमार की मृत्यु हो गई। मोहम्मद रफी के साथ मंगेशकर की आखिरी जोड़ी 1980 के दशक के दौरान थी जिन्होंने शब्बीर कुमार शैलेंद्र सिंह नितिन मुकेश मन हरदास सुमित कुमार मोहम्मद अजीत विनोद राठौर और एपी बालसुब्रमण्यम के साथ गाना जारी किया रखा। 1989 के दशक में मंगेशकर ने पंकज उधास मोहम्मद अजीज अभिजीत भट्टाचार्य उदित नारायण कुमार शानू और सुरेश वांडर के साथ फिल्म गीत गाना शुरू किया। 1990 के दशक में उनका सबसे लिखे काम सिनेमा फिल्म ले जाएंगे मेरे ख्वाबे में जो आए और हो गया है तुझको तो प्यार समझना तुझे देखा तो ये जाना सनम और मेहंदी लगाना जैसे गाने के लिए रखा। 2000 के दशक में मंगेशकर ने युगल मुख्य रूप से दीप नायर और सोनू निगम के साथ थे। 2005-2006 के आखिरी प्रसिद्ध गाने उस कैसे पिया से बेवफा और शायद ही करने के लिए प्यार है से लकी नो टाइम फॉर लव साथ आना अदनान समी लुका छुपी में रंग दे बसंती ए आर रहमान के साथ उन्होंने पुकार में एक तू ही भरोसा गाया। इस दशक मैंने लिखे गीत
वीर ज़ारा कहते जिन्हें नारायण चंद्र निगम, जगदीप सिंह, रोहित कुमार राठौड़ और गुरदास मुन्ना मान के साथ गाया गया था। उनके नवीनतम गीतों में से एक दोनों वाई टू में जीना है किया था। लता मंगेशकर ने पहली बार 1955 में मराठी फिल्म राम राम पावने के लिए संगीत तैयार किया था। बाद में 1960 के दशक में उन्होंने आनंद घन के श्रा नाम के तहत मराठी फिल्मों के लिए संगीत तैयार किया। राम पवन, मराठा तिकोला मिला, मोहनियाची, मंजुला, साध मनसे, तंबाड़ी मती, उन्होंने फिल्म साध मनसे के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार की सर्वश्रेष्ठ संगीत निदेशक का पुरस्कार जीता। इसी फिल्म के गीत हरानिश देवा तुला की सर्वश्रेष्ठ गीत का पुरस्कार मिला। लता मंगेशकर ने चार फिल्मों का निर्माण किया है। 1953 बादल, झांझर, कंचन गंगा। लेकिन लता मंगेशकर ने भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण, पद्म विभूषण, लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सहित कई पुरस्कार और सम्मान जीते हैं। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार एनटी और राष्ट्रीय पुरस्कार भारत रत्न लिस्ट ऑफ ऑनर, एनआर राष्ट्रीय पुरस्कार, तीन राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 15 बंगाल फिल्म पत्रकार एसोसिएशन अवार्ड। उसने भी चार जीते फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ महिला पुरस्कार, पुरुष गायक पुरस्कार। तो गाइस वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। होप यू लाइक दिस वीडियो। और गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। बाय बाय।